नमो भगवते वासुदेवाय। तीन श्लोक भगवान के बोले हुए और एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी। संकल्पो विदितः साध्यो भवति नामदर्शनम्, मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। न मय्यावेशित धिया कामः कामाय कल्पते, भर्जिताः क्वथिता धानः प्रायो बीजाय निश्यते। जाता बला ब्रजं सिद्धः मये मारंस्यथ क्षपः, यदुदिश्य व्रतमिदम् चेरुरार्यार्चनम् सतिः। श्री शुक उवाच, इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामः कुमारिकः, ध्यायन्तस्तत्पदां भोजं कृच्छ्रा निर्विशुर्व्रजम्। श्री भगवान की आज्ञा मानकर श्री गोप कुमारियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया श्री कृष्ण को अपने अपराध की क्षमा कराने के लिए। तो श्री भगवान कृष्ण उनके प्रणाम से बहुत प्रसन्न हुए, तुष्ट हो गए इस प्रकार प्रणाम करने से, और उनसे इस प्रकार बोल रहे। तो यहां पर भगवान तीन श्लोकों में बोल रहे हैं गोप कुमारियों से। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष पर हैं, बहुत ऊंची शाखा पर नहीं, सबसे पहली शाखा पर आ गए थे जहां से उन्होंने वस्त्र दिया, तो वहीं पर बैठे बैठे श्री भगवान गोप कुमारियों से कुछ कह रहे हैं। भगवान ने कवाक्य सुनने ही योग्य होता है और वह पूर्ण अर्थ से युक्त होता है, यथार्थ होता है और बहुत प्रिय, और अपने भक्तों की भक्ति को सदा बढ़ाने वाला होता है। भगवान इस तरह बोलते हैं। तो श्री भगवान यहां पर सबसे पहले उनके व्रत, उनके संकल्प, मनोरथ का अभिनंदन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। तो भगवान इसमें संबोधन कर रहे हैं गोप कुमारियों को, साधव्य साधव पुलिंग में शब्द है, बहुवचन में, ये स्त्रीलिंग में है साधव्य। इसका अर्थ करते हुए श्री सनातन गोस्वामी प्रसाद जी कहते हैं, परम प्रेम व्यवसाय। भगवान ने देखा कि इनका निर्णय पक्का है, व्यवसाय का अर्थ है निर्णय, परम प्रेम व्यवसाय गुण रूपवत्या। श्री कृष्ण सेवा का जिनका संकल्प है, मनोरथ है, दृढ़ है, और जो अनेक गुणों से विभूषित है और रूपवती हैं, सुंदरी हैं, उनके लिए श्री भगवान गोप कुमारियों के लिए यहां साध्वी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे साधव्य, भवती नाम
मदर्चनम संकल्प माया विदित। आप लोगों ने संकल्प जो किया है, मनोरथ किया है दीर्घ काल से कि हम कृष्ण की दासी बने और कृष्ण की सेवा करें, तो यह जो आपका मनोरथ है सच लज्जया जिसमें भी अकथित अपि, लज्जा के कारण आप लोगों ने हमसे नहीं कहा अपना मनोरथ, फिर भी मया विदित मेरे द्वारा यह विदित है। बाहरी रूप से भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया है, और वैसे तो सर्वज्ञ हैं परमात्मा सबके हृदय में, तो मया विदित अकथितोपि मया विदित, ये पहला वाक्य बोल रहा है। हमको विदित है आपका मनोरथ, आपकी अभिलाषा। सह मया विदित अनुमोदितश्च, मुझे ये विदित है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इसका अनुमोदन कर रहा हूं, आपके इस मनोरथ का स्वागत। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का कोई मनोरथ करे तो वे क्यों नहीं उसका अनुमोदन करेंगे। वो भी छोटी छोटी बच्चियां इतना बड़ा व्रत कर रही थी, अगहन के महीने में भोर में उठ करके कीर्तन गाती हुई जाती थी और यमुना के शीतल जल में स्नान करती थी, माता दुर्गा जी की पूजा करती थी। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे इस मनोरथ का मैं अभिनंदन करता हूं। तो मनोरथ का विशेषण दे रहे हैं सत्य, सत्य है ये जो मनोरथ है, सत्य है, सच्चा मनोरथ, इसका अर्थ ये सत्य, इसको अव्यभिचारी कहते हैं। अव्यभिचारी का अर्थ है यह मनोरथ ही वास्तविक मनोरथ है, यथार्थ, किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही मनोरथ करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये सत्य मनोरथ, सच्चा मनोरथ, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण सेवा की अभिलाषा, यही सच्चा मनोरथ है। और यह भवितुम अर्हति, यह होने योग्य है। देखिए श्री भगवान बोल रहे हैं, सब कुछ भूत भविष्य का समझ करके बोलना है, भवितुम अर्हति संभावना व्यक्त कर रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखे हैं कि भवितुम अर्हति इति संभावना उक्त्या आत्यंतिको न भविष्यति इति सूचित। भगवान सूचित कर रहे हैं संभावना करके, होने योग्य है, ये नहीं कह रहे हैं कि होगा, यह होने योग्य है। इसके द्वारा भगवान यह कह रहे हैं कि यह आत्यंतिक नहीं होगा, अर्थात मैं पति रूप में मिलूंगा, फिर भी लोक में ये प्रचार नहीं होगा कि मैं पति हूं तुम्हारा, ये इतना ही भाव है भगवान का। क्योंकि वे परकिया भाव से विभूषित हैं, गोपी आगे होंगी, आगे उनका विवाह होगा ब्रज में। श्री कृष्ण के योग माया की व्यवस्था थी कि उन गोप कुमारियों का विवाह हुआ ब्रज में अन्य भिन्न 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 लड़के के साथ, लड़कों के साथ विवाह हुआ, ये सब भगवान की व्यवस्था थी। वो चाहते थे परकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहर अन्यत्र नहीं वास। भगवान सुख देना चाहते थे गोप कुमारियों को, लेकिन परकीय भाव का सुख देना चाहते थे। परक किया भावे अति रसे उल्लास, रस का थे सुख, चमत्कारी सुखम रसम, चमत्कारी सुख को रस कहते हैं, जो चमत्कार पैदा करते। चमत्कार पैदा होता है तो उस रस की अभिव्यंजना प्रकटीकरण ऐसे होता है कि आंखें खिल जाती हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है कोई शब्द सुन करके या कोई चीज पी करके खा करके,
और मुख से निकलता है आह आहा आहा, इस तरह से आनंद में जो इस तरह से चमत्कार पैदा करे जो रस, जो सुख है, उसको रस कहा गया। तो श्री भगवान गोप कुमारियों के इस संकल्प से और उनके इस साधना से इतने प्रसन्न थे कि उनको ये वैवाहिक जीवन का ही सुख नहीं देना चाहते थे, उनको उससे बहुत हाय और बहुत दिव्य औपपत्य सुख देना चाहते थे। यद्यपि इस लोक में मनुष्यों के समाज में औपपत्य सुख जो है वह कोई सुख नहीं है, अप्राकृत जगत में यही सच्चा सुख है। उपपत्ति का अर्थ होता है किसी स्त्री का विवाह हुआ है किसी पुरुष से, तो उसके अतिरिक्त वह किसी और से प्रेम करती है, तो इसको कहते हैं, उस व्यक्ति को उपपत्ति कहते हैं। और उपपत्ति के साथ जो व्यवहार है, उसे जो सुख है या दुख जो कुछ भी है, उसको औपपत्य कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रासलीला के प्रसंग में कहते हैं कि यह औपपत्य जो है कुलवती स्त्रियों के लिए नरक का द्वार है। भगवान सीधा कहते हैं, जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिय। ये जुगुप्सित है, सब जगह निंदित है, सब जगह घृणा करते हैं लोग इसको। और भल्गु कृच्छ्रम भयावह, एक तो ये थोड़ा सुख है, कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ मिलती है तो बहुत कष्ट से मिलती है और थोड़े काल के लिए मिलती है, और उस पर भी भय बना रहता है, कई बार जान मार दिया जाता है समाज में, सीधा हत्या कर दी जाती है। और यदि कदाचित मिलन होता भी है तो फलगु बहुत थोड़े काल के लिए तुच्छ, इसलिए इसमें दुख ही दुख है भगवान बताए। परंतु अप्राकृत जगत की दूसरी बात, अप्राकृत जगत में वास्तविकता तो यह है कि भगवान पर पुरुष है ही नहीं, उनके साथ परकिया भाव लागू ही नहीं होता, वास्तविक पति वही है। परंतु फिर भी उत्कंठा वृद्धि के लिए भगवान ने इस भाव को स्वीकार किए हैं अपनी ही प्रियावंशा। विवाहिता पत्नी में ये होता है कि वह उतनी उत्कंठित नहीं रहती है, उतनी लालसा नहीं रहती है अपने पति से मिलने, क्योंकि साथ रात दिन रहने से उनका जो उत्कंठ है, उनका प्रेम भाव शिथिल रहता है। और वह पति से योगक्षेम की अभिलाषा भी रखती है, हमें पति हमें ये चीज दें, ये चीज खरीद करके लावें, जुटावें, रक्षा करें, ये करें, बच्चों की संहार करें, कई तरह से उसका चित बढ़ जाता है, वो अपेक्षा करती है पति से। और परकिया भाव वाली स्त्री, ये तो केवल ब्रज में परकिया भाव मात्र है, कोई कृष्ण की परकिया नहीं है, लेकिन परकिया में देखा गया है कि उसमें अपने प्रेमी से कुछ लेने की भावना बहुत कम होती है, और वह उनसे कोई अपेक्षा नहीं करती है कि परिवार संभालें, चलाने, करें, उसमें केवल मिलने की ही उत्कंठा रहती है, अपने घर का काम धंधा करती रहती है, लेकिन वो अवसर की प्रतीक्षा करती रहती है कब उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये लोक में दृष्ट बात है। तो परकिया भावे अति रस न उल्लास, अति रस का उल्लास रहता है। भगवान इसी सुख को देना चाहते हैं गोपियों को, भगवान कृष्ण के प्रेम में महान आनंद है, वो परम सुखमय है, आनंदमय है, तो उसमें भी आनंद की अतिशयता को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि संभावना उक्तिया से, उक्ति से भगवान यह कह रहे हैं कि आतंतिको न भविष्यति इति सूचितो, वो आतंतिक नहीं होगा, अर्थात विवाह नहीं होगा,
लोक में पति के रूप में मैं प्रसिद्ध नहीं रहूंगा। इसके लिए वे उद्धृत भी करते हैं, संभावना कल्पनायाम अनात्यंतिक संभव है, अत्यंतिक संभावना नहीं, अनात्यंतिक, उसी अर्थ को ले रहे हैं कि होगा हम पति के रूप में मिलेंगे लेकिन अत्यंतिक नहीं। अत्यंतिक मतलब सार्वकालिक, ये अर्थ होगा, सब समय साथ में नहीं रह पाऊंगा और सब समय पति पत्नी का व्यवहार नहीं हो पाएगा, लेकिन ये होने योग्य है, ये भगवान कहते हैं होने योग्य है। हे साधव्य इति परमोत्तम संकल्पा श्लेषेण सर्वथा रूप गुणादिना साधुत्वेन मदपेक्षा इति भाव। किसी के भी जीवन में सबसे श्रेष्ठ संकल्प मनोरथ यही है, कृष्ण को प्राप्त करने का मनोरथ और कृष्ण की सेवा का मनोरथ, और वह भी एक संबंध विशेष में बंध करके, यह और उत्तम है। तो इस संसार में देखा गया है कि समर्पण सब जगह लोग करते हैं अपने अपने संबंधियों के प्रति, लेकिन सबसे अधिक समर्पण जो है वह पत्नी का अपने पति के प्रति देखा जाता है संसार में, सर्वस्व समर्पण। ऐसे भी देख रहे हैं कि लड़की का जन्म कहाँ होता है, कहाँ बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है, लेकिन इसके बाद एक घर को पूरा पूरा छोड़ करके ही और पति के पास चले जाती, यह समर्पण है, और वहां जा करके पति की सेवा करती है, पति के संबंधियों की सेवा करती है, पति के जोगक्षेम की चिंता करती है, उनके सुख स्वास्थ्य धन आदि की चिंता करती है। तो समर्पण की मूर्ति है नारी, देखा जा रहा है आज तक। इस संबंध में बंध करके, कृष्ण को अपना पति मान करके और उस भाव से सेवा करने का जो मनोरथ हो रहा है, यह सर्वोपरि मनोरथ है, सबसे श्रेष्ठ मनोरथ। इसीलिए ऐसे मनोरथ और उस मनोरथ की पूर्ति के लिए व्रतशील गोप कुमारियों को भगवान साध्वी कह रहे हैं। ये साध्वी इसी मनोरथ के कारण, तो ऐसे मनोरथ का मैं स्वागत करता हूं, अनुमोदित, मैं अनुमोदन करता हूं। अनुमोदन का अर्थ होता है किसी ने मोद प्राप्त किया है या किसी ने कोई काम किया है तो उसको सुन करके और सब प्रकार से वाणी द्वारा या अर्थ द्वारा जैसे भी उसको हेल्प करना, और किसी व्यक्ति को उससे अगर खुशी हो रही है, किसी के कार्य से अगर खुशी हो रही है तो उसको अनुमोदन कहते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि तुमने ये व्रत किया है, तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम्हारे मनोरथ को सुनकर मैं भी प्रसन्न हूं, अच्छा है तुमने व्रत किया, मुझे पता है और मैं इसका अनुमोदन करता हूं। और यही सच्चा मनोरथ है, यह सत्य मनोरथ है और ये होने योग्य है, भवतु अर्हति। संकल्प होने योग्य है मतलब क्रिया में होने योग्य है। आज तो मनोरथ हो रहा है तुम मुझे पति के रूप में चाहते हो, लेकिन एक दिन ये होने योग्य है अर्थात होगा। भगवान इस तरह बोल रहे हैं, उनको तो सब भूत भविष्य देख करके बोलना है कि आज बोल दे कि हाँ विवाह होगा और कल न हो। भगवान तो देख रहे हैं कि विवाह तो होगा नहीं, तो फिर भी मैं पति रहूंगा, औपत्य भाव से भगवान बोल रहे हैं। सत्य मनोरथ का मतलब क्या है इसको समझ लेना चाहिए। मनोरथ का सत्यत्व तो यह है, मनोरथ फलीभूत हो जाए इसको कहते हैं सत्य मनोरथ।
भगवान कहते हैं कि ये मनोरथ सत्य है, इसका मतलब कि इसका फल मिलेगा, ये सुसिद्ध फल मनोरथ है, तुम्हारा जो मनोरथ है वो फलेगा या फल चुका, ये अर्थ है। अर्थात मैं पति रूप में मिलूंगा या मिला हुआ हूं, ये सत्य मनोरथ, फल इसका मिलेगा। केवल आदमी छूछे मनोरथ करे, सोचता रहे दिन भर और कोई फल ना मिले उसका, तो उसको झूठा मनोरथ कहा जाएगा, बेकार ऐसे हवाई महल बना रहा है, सोचता रहता है आदमी, सोचता रहता है। पर ये जो मनोरथ है, श्री कृष्ण के सेवा का मनोरथ, यह सत्य है, कभी विफल नहीं हो सकता है। और कोई कहे कि नहीं, भक्ति भक्त लोग भी मनोरथ करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि मनोरथ सारे सफल नहीं होते हैं, नहीं सफल नहीं, वो मनोरथ जो है फल के से युक्त ही है, फल उससे पृथक नहीं है। श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करना, सोचना, कृष्ण की सेवा करें, वो उनकी डायरेक्ट सेवा के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो सत्य मनोरथ। और इसके साथ ही साथ होने योग्य है भगवान, ये यही होने योग्य है। क्या मनोरथ है? मनोरथ का एक विशेषण बता रहे हैं, मदर्चनम मनोरथ, मदर्चनम, मुझे सुखी करने का मनोरथ, मेरी अर्चना करने का मनोरथ। अर्चना का अर्थ होता है किसी को सुख देना, आराधना का भी यही अर्थ है। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भवतीना मदर्चनम मदीय, नहीं चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मदर्चनम मदीय सुखोत्पादक मद विषयक आराधना में वह संकल्प, यही संकल्प है, मुझे सुखी करने का संकल्प, यह सत्य है। लज्जा के कारण तुम लोगों ने हमसे नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ जानता हूं। श्री भगवान यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। देखिए कृष्ण क्या है, उनके वाक्यों से भी प्रकट होता रहता है, और उनके विषय में जो आर्ष वाक्य हैं, ऋषियों के वाक्य हैं, वो तो हैं ही। तो भगवान यहां पर बोल रहे हैं, न मैया वे सिद्धियां कामो कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्राय विजाय नश्यते। मई आवेशित धियाम मनसा अपि माम सेव मानानं तन्मात्राणाम, जो कोई व्यक्ति मन से भी मेरी सेवा करता है, जिसका मन मुझमें आविष्ट है, मई आवेशित मनसा, मुझमें जिनका मन प्रवेश कर गया है, अर्थात मन से भी यदि कोई हमारी मेरा चिंतन करता है, मन से भी मेरा संग करता है, सेवा करता है, तो उस व्यक्ति का मनोरथ काम, उसकी कामना जो अन्य कई कई कामना, इसे राज्य प्राप्ति की कामना, भोग प्राप्ति की कामना, इसको काम शब्द कहा गया, विजेंद्रिय प्रतिवांशा तार नाम काम। तो गोपियों की बात तो अलग है, वो तो बहुत उच्च धरातल के हैं, सर्व सामान्य की बात भगवान कर रहे हैं, अपने भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, कि जिनका केवल मन मुझ में लगा हुआ है और सारी कामनाएं भरी हुई हैं, राज्य प्राप्ति की, भोग प्राप्ति की, जो प्रैक्टिकल मान लीजिए कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है या सांसद विधायक बनना चाहता है, ये उसका मनोरथ है, पर किसी भी प्रकार से यदि उसका मन मुझ में लगा है और अन्य कामनाओं से भरा हुआ है, तो उसका वह काम न कामाय कल्पते, मुझ में जिसका चित्त लगा है उसकी कामनाएं उसको
अन्य कामनाओं में प्रेरित नहीं कर पाएंगे, उसका जन्म मरण नहीं होगा, उसे अन्य कामनाओं को भोगने के लिए दूसरा शरीर नहीं प्राप्त करना पड़ेगा, वह मुक्त हो जाता है। तो भगवान योग्य दृष्टांत दे रहे हैं, न मैया विशिध्याम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धन प्रयोग निश्चित। मई आवेशिक धियाम काम राज स्वराज्य आदि विषय कामाय कामत्वाय अजथार्थाय काम भोगाय न कल्पते पर्यवसति किम पुनः मत सेवैक पुरुषार्था नाम भवती नाम इत्यर्थ। गोपियों के विषय में क्या कहना है, सामान्य भगवान बात करें, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति का हो, किसी भी काल का, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी योनि का, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका मन मुझ में लगा है, किसी तरह से मन मेरे सौंदर्य में आ रहा है, मेरी लीला का चिंतन कर रहा है, मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है, तो उसकी अन्य कामनाएं भी उसको दुर्गति में नहीं डाल सकती है। काम है, दूसरे काम को उत्पन्न करता है, काम का अर्थ है अभिलाषा लालसा, इसको कल कहा गया था। और जीव का, जीव के दुख का कारण यह है काम, उसको दुख में डालने वाला। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्षणय बलादिव नियोजित। यह श्री कृष्ण, जीव मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है? पाप का अर्थ है भगवत विस्मृति में किया हुआ कर्म, भगवान से संबंध शून्य दशा में जो जीव काम करता है वो पाप है। कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का चिंतन करना, यह है पुण्य, पुण्य श्रवण कीर्तन। बाकी कृष्ण को भूल करके वो जो भी कर रहा है वो पाप ही माना जाता है। जीव न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है तो उसको पाप में कौन लगाता है? तो भगवान तुरंत उत्तर देते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम एनम इह वैरिणम विद्धि। इसी को तुम अपना शत्रु समझो, जीव का महाशत्रु है काम। काम का अर्थ है किसी वस्तु की इच्छा, इसको काम कहते हैं। और निजेंद्रिय प्रतिवांछा, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की वासना, चाहे कपड़े से, भोजन से, स्वराज्य से, जैसे भी हो, अपने को सुखी करने की जो वासना है, या अन्य किसी को, कृष्ण के अलावा अन्य किसी को सुख देने की जो वासना है, ये इसको काम कहा गया है। परिवार को, समाज को, इसको उसको सुखी करने की जो लालसा है वो है काम। तो काम के विषय में भगवान सबसे पहला उदाहरण देते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं, वैरिणा, यह जीव का वैरी है। किसका वैरी? आत्मा का वैरी, आत्मा का शत्रु है यह काम। और भगवान ने कहा है कि यह इंद्रियों पर रहता है, यह मन पर रहता है, यह बुद्धि पर रहता है। और अर्जुन से एक कहते हैं कि तुम इसको मारो, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम रूपी दुरासद दुर्धर्ष शत्रु को तुम मारो। यही जीव से सारी गलती करा रहा है, कृष्ण से विमुख रख रहा है और सब कर रहा है। लेकिन सौभाग्यवश किसी व्यक्ति का मन यदि भगवान कृष्ण के रूप आदि को पकड़ लिया, भगवान में मन लग रहा है, तो उसकी हजारों कामनाएं करोड़ों कामनाएं भी उसको फिर दुर्गति में नहीं डाल सकती, वो अपने स्वरूप में रहेगा। भगवान कह रहे हैं, ये अपनी विशेषता बता रहे हैं, न मई आवेशित धियान, मई आवेशित धियान, धी का अर्थ है बुद्धि, जिसकी बुद्धि जिसका मन मात्र भी केवल मुझमें आसक्त है, मुझमें लग गया, उसका काम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, काम अब अन्य कामना पैदा नहीं करेगा, अन्य मनोरथ पैदा नहीं करेगा,
न भर्जिता कथिता धाना प्राय विजय में सोते। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जौ या गेहूं के दानों को भूंज दिया जाए, आग में जला दे, भर्जिता भूंज दिया जाए, और कथिता उबाल दिया जाए बहुत ताप वाले पानी में, तो वह फिर दूसरा बीज के युक्त नहीं, बीज के लिए उपयुक्त नहीं होगा। न कामाय प्राय विजाय, विजाय का अर्थ अंकुरोद्गमाय, अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, ये सब जाओगे समाप्त हो जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण ऐसे विषय हैं जहां पर विषय भोग की कामना की जाए और उनका चिंतन कोई करे श्री कृष्ण का, तो उनका चिंतन उनका नाम जप ही अन्य कामनाओं को जलाकर समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण के अलावा और कोई कामना नहीं रह जाती। कुछ काल में देखा जाता है कि वो भक्त ऐसा कृष्ण में आसक्त हो जाता है कि कृष्ण के देने पर भी वो कुछ नहीं लेना चाहता है, कामना क्या करेगा, दिए मानव न ग्रहणं के बिना मत सेवनम देना। भगवान कहते हैं कि पांच प्रकार की मुक्ति हमारा भक्त देने पर भी नहीं लेता है, दिए मानव न ग्रहणं। भगवान कहते हैं तुम बहुत भजन किए हो, बहुत दुख भोगे हो, हमारे धाम में आ जाओ, वहां ये साम्राज्य भोगो, सुख से रहो, दिए मानव न ग्रहणं। श्री कृष्ण सेवनम बिना, कृष्ण की सेवा ही करना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, और ये चार पांच प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते हैं। यह भक्त का स्टैंडर्ड, देने पर भी नहीं लेते हैं, और अगर भक्त नहीं है तो देने पर क्या, वो रोज प्रार्थना ही करता रहेगा कि दीजिए दीजिए दीजिए। न दिए मानव अपेक्षन्ति, नहीं देने पर भी रात दिन यही मन होता है हमको ये हो जाए, हमको ये हो जाए, हमको ये हो जाए। लेकिन कदाचित अगर कृष्ण का वो जप कर रहा है, कृष्ण का चिंतन कर रहा है, कृष्ण उसकी बुद्धि अविष्ट है, तो फिर धीरे धीरे होगा क्या कि उसकी दूसरी कोई कामना नहीं रहेगी, वह मत काम हो जाएगा, मत काम परम, वो श्री कृष्ण की ही कामना करेगा, कृष्ण इतना आनंदमय है, सुखमय है। एक अर्थ कर रहे सनातन गोस्वामी जी के, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसका मन चला गया भूल से भी, ढुका दिया अपने मन को भगवान में, मई आवेशिक दिया, जैसे पहाड़ी भैंस को ये गाय को जल घर में ढुकाने पर जल्दी ढुकते नहीं है, ये देखा गया है। हम लोगों ने करके देखा है, पहाड़ पर चार महीने तक गौए रहती हैं, ये भैंस रहती हैं, पहाड़ में रहने की आदत हो जाती है, तो शुरू शुरू में आने पर उनको घर में प्रवेश कराया जाता है, तो वो नहीं प्रवेश करती हैं, निकलते रहते हैं। लेकिन अगर प्रवेश दे दिया जाए जबरदस्ती, तो दो चार दिन में वो फिर घर में ही रहने लगते हैं, जाड़ा के कारण अपने आप ही, थोड़ा सा घेर दीजिए घर के पास लाइए तो अपने आप चली जाती है, पहले नहीं प्रवेश करती। तो श्री कृष्ण में चित्त प्रवेश कराना होता है, पहले आवेश या प्रवेश का दोनों का एक ही मतलब हुआ, आवेश प्रवेश। कृष्ण में मन को लगाना पड़ता है, अगर लग गया तो फिर तो वहां से वो जाएगा ही नहीं। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचते, जो धौतात्मा हो गया, जिसका मन साफ कर दिया गया सारी कामनाओं से, धो दिया गया, धौत आत्मा, धौत धो धा करके साफ आत्मा हो गया, मन हो गया, परीक्षित महाराज कहते हैं, तो ऐसा पुरुष तो कृष्ण पाद मूलम न मुंचते, कृष्ण के चरण कमल के मूल को छोड़ता नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकता है। मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणं यथा,
जैसे कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके रास्ता चल रहा हो, बहुत दूर जाना हो, चलते चलते थक गया है, ठीक से खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कई दिन का थका मांदा व्यक्ति विश्व शरणम अपने घर लौटे जो सब सुविधा से पूर्ण है, तो कुछ दिन तो नाम नहीं लेगा निकलने का घर से। पांथ स्व शरण जथा अपने घर आ जाने के बाद फिर वो घर को छोड़ना नहीं चाहता, फिर रास्ते में नहीं जाना चाहता। तो एक भवा टवी है वास्तव में, ये संसार जो है जंगल जंगल है, जन्म मरण भूख प्यास मान सर्दी गर्मी। जो व्यक्ति कृष्ण के सुख को पा जाता है वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकता है, इतना सुख है भगवान श्री कृष्ण में। तो मई आवेशित चेतसा मुझमें जिसका मन लग गया, और मन लगने के बाद अगर कोई दूसरी कामना भी हो रही है तो कामनाएं उसको बाधित नहीं कर सकती, इसलिए भगवान ने कहा कि जात, उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग ब्रज में, तुम सिद्ध हो गए। और सिद्ध हो गए तो भगवान गोकुल में क्यों भेज रहे हैं? हरीश्वरी जी इसका अर्थ करते हैं गोकुल है। गोकुल का अर्थ है इंद्रिय समुदाय, मतलब इंद्रियों का विषय है गोकुल। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, भगवान गोकुल में भेज रहे हैं। तो और ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई उपद्रव नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तुम सिद्ध हो, तुम जाओ गोकुल में, कोई बात नहीं। तो उस पर हरीश्वर जी एक कविता में कहते हैं माम पश्यत्र योद्धा गम शिखर गतम वीक्षितो यो मयापि। जो व्यक्ति मुझको आगम के शिखर पर स्थित देख चुका, आगम का अर्थ है वेद, और आगम का अर्थ होता है अगम से आगम बना है, आगम मतलब वृक्ष की शाखा, अगम माने वृक्ष और आगम मतलब वृक्ष की शाखा। तो वृक्ष की शाखा पर जो व्यक्ति हमको देख लिया, निगम के अंत में, निगम के पर्यवसान या वेदांत के शीर्ष पर जो मुझे देख लिया, जान गया अच्छी तरह से कि वेद के सार है कृष्ण। आगम में शिखर गतम जो मुझको देख लिया और मैं भी उसको डायरेक्ट देख लिया, मया अपि वीक्षित। और इसके बाद एक तो मुझको शास्त्र आदि सुन करके और समझ लिया कि शास्त्रों के सार कृष्ण है, आगम शिखर गतम साक्षात, और मेरे द्वारा भी वही विकसित हो गया, मैं भी उसको देखा। दो चीज है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत भगवद गीता या शास्त्रों के मर्म को जान गया कि कृष्ण ही सब कुछ है, और इसके साथ ही साथ जो भगवान के श्री विग्रह का रोज दर्शन करता है तो श्री कृष्ण उसको देखते हैं। और इसके बाद मध्येय चेता, मनमात्र ध्येय चेता, और जो मुझमें ही अपना चित लगाया हुआ है, और मद अनुमति धृता, और मेरे द्वारा उसको अनुमति भी प्राप्त हो गई है, मैं अनुमोदन भी कर चुका हूं उसकी क्रियाओं का। तो अज्ञान कार्य अनुसंग, अज्ञान के कार्यों में वो लगा हुआ है, यहां अज्ञान के कार्य है इंद्रियों का कार्य। तो वह व्यक्ति यदि गोकुल में रहे फिर भी नस्या जन्मांतराप्ते सततम अभिकृता कृदिक किद्रिक अपि अन्य के लिए प्रस्थातुर गोकुले अपि अकृत जदुपते स्पष्टम उत्कृष्ट वाच। भगवान के इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति हमको हमारा दर्शन कर चुका, जो वेद के शीर्ष स्थान पर वेद के तात्पर्य के रूप में मुझे समझ गया, मेरे अच्छे विग्रह का दर्शन करता है, मेरी जिसको अनुमति हो गई, वो जाकर गोकुल में इंद्रियों के व्यापार में लग जाए, कार्य करे, अब
जन्मांतर को प्राप्त नहीं होगा। जन्मांतर मतलब है न कामाय कल्पते, उसे अन्य कामनाएं नहीं बाधित कर सकती हैं और कोई भी कार्य मेरी भावना को मेरी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवान इसके द्वारा सूचित कर रहे हैं, इसी श्लोक पर हरिश्री जी लिखे हैं। इनकी कविता तो वास्तव में बहुत रसमयी होती है। माम पश्यति अत्र, अत्र का अर्थ अस्मिन जन्मनि, जो इस जन्म में मुझे देखा, कहां देखा, अद्धा साक्षात देखा, कहां आगम शिखर गतम। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। आजकल लोग ये बहाना करते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है। तो भगवान तो आगम शिखर गत साफ दिखाई दिए। अगम वृक्ष तत्शाखा आगम और तत्शिखर गत वेदांत कहते हैं। वेद के शिखर को वेदांत कहते हैं। वेदांत का प्रयोजन शास्त्रों के तात्पर्य श्री कृष्ण हैं। एक महाकवि भगवान के इन वाक्यों के अनुसार एक इसको क्या संस्कृत में कहते हैं, शैली या उपहास नहीं, कुछ और शब्द है कि इस तरह से हंसते हुए अर्थ करना कि भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहिए कि यही शास्त्रों के सार हैं। क्या है उसको कहना, व्यंग, व्यंग व्यंजना, हाँ व्यंजना, व्यंजना इसको कहते हैं। गोपी गोप कुमारियां श्री कृष्ण को कहां देख करके जाने वाली हैं, भगवान कह रहे हैं कि जाओ अब हमको देख लिया। कहां देखा, जमीन पर उतरा हुआ नहीं देखा था, वास्तव में कदम की शाखा पर बैठे हुए देखा। तो इसीलिए हरिश्री जी कहते हैं आगम शिखर गतम। भगवान जो भी लीला करते हैं तो उनकी लीलाओं के उन्हें बहुत प्रकार के उद्देश्य होते हैं शिक्षा देना। भगवान तो भगवान है, अनंत बुद्धि के सागर हैं। अवश्य उनका अभिप्राय रहा होगा। हरिश्री जी एक कविता में लिखे हैं कि एक दिन मैं सोचने लगा कि भगवान ये काम क्यों किए, ऐसा हंसे क्यों, चले क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तो चिंता में सो गए। वो स्वयं लिखते हैं, क्या मैं भगवान के इन क्रियाओं के लीलाओं के अभिप्राय को समझ सकता हूं। तो वो सो गए चिंता में, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन में आए, सपना में आए, और उन्होंने कहा, हरिश्री स्वयं लिखते हैं, इतना ही अपना परिचय दिए, ने कहा है उठो तुम लिखो, लिखना चालू करो, और मैं जिस अभिप्राय से कोई क्रिया किया हूं, हंसा हूं, चला हूं, बोला हूं, कुछ तुम लिखो, तुम्हारे हृदय में मैं प्रेरित करूंगा, तुम लिखो। ये कहते हैं जहां पर, जैसे श्रीधर स्वामी की तरह, जहां पर बड़े बड़े मंदराचल पर्वत, मेरू पर्वत भी डूब सकते हैं जिस समुद्र में, तो उसमें एक परम अणु, एक छोटा सा कण बालू का जा करके उसको मथना चालू करे, ये कैसी बुद्धि होगी, उसको बुद्धिहीन समझा जाएगा। जहां पर मंदराचल मग्न हो जाए, डूब जाए, जहां बड़े बड़े विद्वान लोग भागवत के अर्थों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, और वहां पर सिरधर एक परमाणु चला है मंथन करने के लिए, अपने को सिरधर स्वामी जी कहते हैं दीन दास। हरिश्री जी भी ऐसे ही कहते हैं। उन्होंने कहा कि हे देव, आपके गुणों का वर्णन करने में 10,000 या 1,000 मुख वाले भगवान शेष भी समर्थ नहीं है, और आपके सौंदर्य का विवेचन करने में 1,000 या 10,000 आंख वाले इंद्र भी असमर्थ हैं।
न दर्शन करके फिर आप वर्णन नहीं कर सकते सौंदर्य का। और आपकी सेवा करने में सहस्र बाहु भी अलम नहीं हो सकते, जिनकी हजारों बाहें हैं। तो मैं तो दो आंख वाला व्यक्ति हूं और एक जीभ वाला, मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूं। वो कहते हैं मैं इसी चिंता में मैं सो गया तो भगवान श्रीपति श्री कृष्ण प्रकट होकर के सपना में कहेंगे तुम लिखो और मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में ये भाव उदित होंगे, मेरे अभिप्राय उदित होंगे। तो भगवान की कृपा से मैं लिख रहा हूं, तो वो लिखे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हरिश्री जी प्रतीक बैठा रहे हैं। इस तरह से भगवान के सौंदर्य को, छवि को एकदम अंकित कर देना, अरे और तो छोड़ दीजिए, वेद का कोई भी तात्पर्य हो या ना हो, लेकिन आगम शिखर गतम, ये शब्द अपने आप में कृष्ण को कदंब की इस शाखा पर बैठा हुआ तो उपस्थित कर ही देता। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो यह अभिप्राय है कि संसार के दोषों में दोष राज ये काम तभी तक जीव के श्रेय में परिपंथी है, बाधक है, जब तक वो जीव कृष्ण की शरण में नहीं है। ब्रह्मा जी भी यही बात कहे हैं कि यह घर गृहस्थी किसी व्यक्ति के लिए तब तक कारागृह के समान है और स्वजन आदि बंधन की तरह है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जावत कृष्ण न ते जना, वो कैसे है श्लोक शुरू में, तावत कारागृहम गृहम के पहले है, इसको याद है स्तुति। तावत रागा दयश तेना, तावत कारा गृहम गृहम, तावन मोहंग्री निगडो जावत कृष्ण न ते जना। ये राग आदि तावत रागा दयश तेना, ये राग आदि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रागा दय काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये सब दोष हैं, तभी तक ये चोरी का काम करते हैं, चोर बने हुए हैं, जीव के विवेक धैर्य को कृष्ण भावना को ये चुरा लेते हैं, तभी तक ये चोर हैं। जैसे कोई व्यक्ति धनी हो और उसको बहुत से चोर लगे हो रात्रि में उसका सब कुछ लूट ले, तो इस तरह से राग आदि जीव के धन को लूट रहे हैं। जीव का धन है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण भावना, लेकिन पुत्र परिवार या अन्य में लग करके जीव का ये सब कुछ जा रहा है, कृष्ण से प्रेम नहीं रहा। तो तावत रागा देश तेना, तावत कारा गृहम गृहम, ये तभी तक राग द्वेष आदि शत्रु हैं चोर की तरह, और ये घर गृहस्थी अपना घर तभी तक कारा गृह की तरह है। जब तक हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता, तावन मोहंग निगडो, और मोह है, मोह की यह मैं हूं, यह मेरा है, ये है वो है। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे ब्रजवासी कृष्ण को ही अपना मान रहे हैं और ये भी घर गृहस्थी में है, लेकिन इनकी घर गृहस्थी कारागृह नहीं है, ये बंधन में नहीं है, और इनके राग द्वेष आदि ये सब बंधन नहीं कर रहे, वो राग से भरे हुए हैं, सब राग कृष्ण के प्रति, राग है उनमें द्वेष भी है, कृष्ण से विमुख कृष्ण के विरोधी लोगों से द्वेष है, कृष्ण के प्रति राग है, और कृष्ण के संबंध से अपने परिवार में भी राग है, अन्य बच्चों में गोपों में, तो सब कृष्ण के कारण है, कृष्ण के संबंध पर ही आधारित राग है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये राग आदि शत्रु तभी तक जीव के विवेक धैर्य को लूटते हैं और तभी तक यह घर गृहस्थी कारागृह की तरह है और तभी तक यह मोह पैरों में बेणी की तरह लगा हुआ है जब तक हे कृष्ण आप ये जीव आपका नहीं हो जाता। जब जीव कृष्ण का हो जाता है त
तब यही काम क्रोधादि और ये घर गृहस्थी ये सब जीव के सहायक हो जाते हैं, फिर बंधन नहीं करते। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी बात को श्री भगवान यहां कह रहे हैं। भगवान तो पहले कहे होंगे, ब्रह्मा जी जो भी बोलते हैं भगवान, मतलब ऐसे में कहा कि जो बात ब्रह्मा जी कहे हैं वही बात भगवान कह रहे हैं, वैसे भी कहा जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि आपके विषय में सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र हैं, और आप भी कह रहे हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी कहे और पहले कहे हैं इससे, अब भगवान कह रहे हैं कि न मई आवेशित धियम काम कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चित। कामना की निंदा नहीं कर रहे हैं भगवान, मुख्य मांग ये है कि मन कृष्ण में लग जाना चाहिए। कृष्ण में मन लग गया, आवेश हो गया, तो ये काम बाधित नहीं कर पाता है। इस पर श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं, जैसे गेहूं या चावल, या चावल से तात्पर्य मतलब धान का खोइला निकाल कर बात करना चाहिए। अगर किसी धान को, धान खोइला कहते हैं उसके छिलके को, धान के छिलके को निकाल दिया चावल, और गेहूं भी ठीक से लाया गया, जौ भी छांट करके सब, और उसको किसी तरह से भूंज करके पीस करके, और इसके बाद उसमें स्वादिष्ट चीज इलायची गुड़ या चीनी जो भी मिलाया जाए, पागा जाए, तो कोई भी व्यक्ति क्या ये कामना करेगा कि मैं इस बीज को बोऊं कि खाएगा? समझ लीजिए गेहूं का हलवा बन गया या कोई चीज बन गया, मिठाइयां बन गई, तो व्यक्ति खाता है ना, वो स्वयं ही आस्वाद्यता को प्राप्त होता है। दूसरे अंकुर के लिए उसका प्रयोग नहीं करता है, और न तो अंकुर अब दे सकता है, वो बीजाय निश्चित है, अंकुर उद्गम हो नहीं सकता है अब। तो श्री कृष्ण के प्रति जो कामना हो जाती है, तो फिर वो कामना अन्य कामना को जन्म नहीं दे सकती है। यह केवल कृष्ण के लिए कामना की बात नहीं, कृष्ण से कामना वो भी अन्य कामना को जन्म नहीं दे पाती है। अगर कोई कुछ मांग रहा है कृष्ण से, तो कृष्ण से मांगने वाला व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है कि फिर अन्य से उसे मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भगवान से कामना किए, भगवान की कामना वे नहीं किए प्रारंभ में, भगवान से चाहते थे कि ये त्रिलोक के अधिपति है, भगवान है, लक्ष्मीपति हैं, हमको राज्य देंगे, जो राज्य हमारे पिता पितामह आदि को भी प्राप्त नहीं। तो भगवान ने वो दिया राज्य उनको, लेकिन देखिए राज्य की कामना से ध्रुव महाराज ने कृष्ण का स्मरण किया, मई आवेश धिया, और कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। नारद जी ने भगवान के अंगों का वर्णन किया था, मंत्र जपने को कहा था, तो श्री नारद जी जप कर रहे थे, अब चिंतन कर मई आवेश धिया, तो फिर उनकी कामना समाप्त हो गई, अब दूसरी कामना वो नहीं की। यहां तक जिस राज्य की प्राप्ति के लिए कामना किए थे कि सबसे उत्कृष्ट राज्य मिले, उस राज्य को देने के लिए भगवान आए हैं, देने के लिए तत्पर हुए, कहे कि देना चाहता हूं, तो ध्रुव महाराज ने कहा है हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में कि स्वामी कृतार्थोस्मि वरम नयासे, हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया, मैं कोई वर नहीं चाहता हूं, मैं तो कांच खोजने चला था, शीशा इकट्ठा करने चला था, और मुझको स्पर्श मणि मिल गया, लोहे को सोना बनाने वाला मणि मिल गया, मैं नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि जिनका चित्त मुझ में आविष्ट है और अन्य कामना के लिए भी यदि वे मेरा भजन करते हैं, और अन्य कामनाएं उठती रहती हैं उनके मन में, लेकिन वे कामनाएं उनको अन्य
उनको जन्मांतर में नहीं बांधेंगे, उनको और शरीर नहीं लेना पड़ेगा और भोगों की लालसा नहीं होगी। ये काम ही जन्म मरण का कारण है। तो भक्तों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विशेषता बता रहे हैं, काम की नहीं। इतना निकृष्ट काम भी यदि किसी के मन में है और उस मन को यदि वो संजोग से या कथा सुन करके या भक्तों की कृपा से मुझमें लगा दिया तो काम उसका शत्रु नहीं रहेगा, उसका सहायक हो जाएगा। यह है भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत श्री विग्रह की विशेषता, जिसमें लगने पर जीव का काम भी कामना अंतर को पैदा नहीं कर पाता है। यह अद्भुत बात है, भगवान की विशेषता है। इस संसार में भी हम लोगों ने सुना है पारस पत्थर स्पर्श मणि एक ऐसी वस्तु है जिससे लोहा को यदि छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, और उस वस्तु का वह अपना व्यक्तिगत गुण है, उसको वस्तु सद्गुण कहते हैं स्पर्श मणि। और स्पर्श मणि यह नहीं देखता है कि यह लोहा कैसा है। सूरदास जी एक पद में लिखे हैं, पद में गाए हैं, कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरा। देखते हैं एक लोहा छुरी वो भगवान के किचन में रहता है, भगवान की रसोई में, और भगवान को भोग लगाने के लिए फल काटा जाता है, सब्जियां काटी जाती हैं। एक छुरी है और एक घर बधिक परो, और एक छुरी बधिक कसाई के घर में रहता है जिसे बकरी को काटता है चाहे कोई भी जीव को काटता है, मांस काटता है। एक ऐसा लोहा एक भगवान की पूजा में रखा हुआ और एक कसाई के घर में, बूचर के घर में रखा हुआ, लेकिन यह दुविधा पारस नहीं जानत। पारस से अगर स्पर्श किया जाए कसाई के छुरी को रखा जाए और भगवान के पूजा घर में रखे हुए छुरी को, दोनों को कंचन करत खरो, दोनों को सोना बना देगा। ये विचार नहीं करता है कि ये दुष्ट लोहा है, इसे बहुत वध किया गया है, और ये लोहा ठीक है, इसको पूजा में रखा गया है। पारस का अपना स्वभाव है, अपनी विशेषता है, अपनी स्वरूप स्थिति इसको कहते हैं, वस्तु सद्गुण ले वस्तु स्थिति। वो सोना बनाएगा ही, वो विचार नहीं करेगा कि ये कसाई का लोहा है या ये एक वैष्णव का लोहा है। नहीं, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण है, किसी भी प्रकार से उनके संपर्क में कोई आया कि वो सोना हुआ, उनका स्वभाव है यह, उसमें भाव की अपेक्षा नहीं रखते हैं। इस भाव से मेरी शरण में आया है, इस भाव से इसका मन मुझ में लग गया, इस भाव से उस भाव से, नहीं। भाव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन श्री कृष्ण भाव की अपेक्षा नहीं करते हैं। उनका वो स्वभाव है, अपना अपना प्रभाव है कि वो शुद्ध कर ही देंगे। इसीलिए भगवान स्वयं यहां कह रहे हैं कि न मई आवेशित धियाम कामह कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धना प्राय विजय निश्चित है। मई आवेशित धियाम कामाय ग्राम में काम सुखाय न योग्य भवती, मई आवेशित धियाम काम मुझमें जिनका चित्त आविष्ट है उनका काम कामाय न योग्य भवती, तस्य परम प्रेम सुखात्मकत्वे न सर्व पुरुषार्थ शिरोमणित्वात्। भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है उनके मन में जो कामना उठेगी श्री कृष्ण से प्राप्त करने की, या श्री कृष्ण के प्रति ही जो इच्छा होगी,
तो वह परम प्रेम सुखात्मक होगा वो काम। श्री कृष्ण को पाने की लालसा हो गई या श्री कृष्ण से कुछ मांगने की लालसा हो गई तो यह सुखात्मक परम प्रेम सुखात्मक काम है और पुरुषार्थ शिरोमणि है। कृष्ण की कामना हो गई तो यह पुरुषार्थ शिरोमणि है। जीव का अर्थ प्रयोजन इसको पुरुषार्थ कहते हैं। जीव का पुरुषार्थ है सुख, वो सुख प्राप्त करना चाहता है, यही है जीव का पुरुषार्थ। सुख चाहता है, अनंत सुख चाहता है, जिस सुख का पर्यवसान न हो, अंत न हो और जिसे सुख में दुख न मिला हुआ। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, यह निर्विवाद बात है, इसमें कोई जुक्ति आदि लगाने की जरूरत नहीं। किसी से भी पूछा जाए तुम्हारे क्रिया का, तुम्हारे विचार का, यहां से वहां जाने का क्या लक्ष्य है, लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। और सुख की वो दो विशेषता चाहता है कि इस सुख में कोई सुख विरोधी द्रव्य न मिला हो, उसको शास्त्रीय भाषा में अनवद्य सुख कहते हैं। अनवद्य अवद्य शून्य, दोष शून्य। तो किसी सुख में दोष क्या है, दुख। किसी भी सुख में जो दोष है वो है दुख। तो व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है जिसमें दुख मिश्रित न हो, दुख न हो। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हो, बल्कि दुखों की मात्रा का प्रतिशत ज्यादा है सुख की अपेक्षा। किसी भी क्रिया में इस संसार में देख सकते हैं, एक भक्ति के अलावा किसी भी क्रिया में दुख अधिक है। जैसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहा है, देखते हैं बच्चों को पढ़ते हैं, कई साल पढ़ते रह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर इधर पढ़ाओ उधर पढ़ाओ, यहां जाओ वहां जाओ। पढ़ना और पढ़ करके कोई सर्विस प्राप्त करना या बिजनेस करना एक सुख है। उनको पैसा मिलेगा तो खाएंगे पिएंगे घर बनाएंगे, इस सुख कहते हैं इसको। सुख वास्तव में संसार में नहीं है, लेकिन चित्त की जो अनुकूल वृत्ति होती है उसी को एक सुख मान करके कहा जाता है। ये मन में एक भावना हो गई कि ये अच्छा है हमारे लिए, ये है, तो एक अनुकूल भावना का उदय होता है, उसको सुख कहते हैं। लेकिन उस सुख को पाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है, इतना कठिन पढ़ाई लिखाई करो, ये करो वो करो और उसके लिए पैसा खर्च करो, कई कई प्रकार का दुख मिला हुआ है। और वह सुख कितना दिन चलेगा, ये मान लीजिए अगर खूब अच्छे अच्छी नौकरी मिल गई, बिजनेस अच्छा हो गया तो पैसा मिला ये मिला, तो कितना काल तक, जब तक युवावस्था है तब तक मान लिया जाए कुछ सुख मिला उसको, जबकि उसमें 95% दुख मिला हुआ है, या किसी किसी सुख में तो 99% दुख रहता है, 1% सुख रहता है। आदमी घर गृहस्थी बसाता है, बाल बच्चा पैदा करता है, नाती बेटा सब भर जाते हैं, बहुत भारी दुख उठा करके, बहुत भारी प्रयास करके वो ये सब किया है, किस लिए, सुख के लिए। और किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछिए तब आप सुखी हैं ना, तो यही कहेगा मत पूछिए मर गया है, कुछ करते करते। तो अंततः तो वही प्रमाण है, बताता है कि तुम सुख नहीं मिला। अगर थोड़ा सुख मिला भी तो दुख ही ज्यादा घेरा हुआ है, तो इसको अनवद्य सुख नहीं कहेंगे, अवद्य सावद्य सुख कहेंगे, जिसमें दुख ही ज्यादा है। और वह दुख सुख भी मान लीजिए दुख से मिश्रित ही है, जैसे जीने का सुख एक है, लेकिन आदमी सोचता है कि भले बूढ़ा रहूं रोगी रहूं लेकिन जीता रहूं, यह है ना, वो जीने में सुख देखता है, तो उसकी मूर्खता है। भावना केवल है कि ये सुख है, सुख नहीं है, लेकिन वह भी सुख सब समय नहीं रहेगा, अनित्य
नित्यम असुखम। एक तो दुख में बीतेगा वो, और जो जिसको सुख मानता है वो अनंत सुख नहीं होगा, वो अंत सुख होगा, अंत हो ही जाएगा उसका। एक तो सुख कम है, दुख से मिला हुआ है, और दूसरे उस सुख का भी अंत हो जाता, तो अनंत सुख नहीं है। जीव चाहता है अनंत सुख और निर्दोष सुख, दुख परिश्रम आदि से शून्य सुख, तो संसार में है ही नहीं। केवल मन के अनुकूल वृत्ति को ही सुख मान लेता है व्यक्ति। मानना दूसरी बात, जैसे सपना में, सपना में कोई व्यक्ति ये देखे सपना कि आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो सपना टूटने तक जो भी सुख था उसका केवल मनोगत था, केवल भावना मात्र थी, है ना? तो सपना टूट ही जाता है। तो इस तरह से आजकल तो लोग प्रकट ही कहते हैं हमारा सपना सत्य होगा, हमारा सपना पूरा। सपना काहे को पूरा होने गए, अपने घर गृहस्थ को सपना खुद ही कहते हैं सपना पूरा हो, ये हो। सपना को पूरा करने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, तो टूटेगा ही। जो वास्तव में जागृत जीवन है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति का जीवन। भक्ति करके फिर हम भगवान के धाम में जाएंगे, तो वहां सदा ही जागृत जीवन है, झूठा स्वप्निक जीवन नहीं है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो काम उत्पन्न होता है, मनोरथ या अभिलाषा, तो परम प्रेम सुखात्मक होता है और सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि होता है। अतः उसके अतिरिक्त अन्य कामना का जन्म होता ही नहीं है। जीव पूर्ण सुखी हो जाता है, पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे तो ये बहुत बड़ा है प्रपोर्ट, लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कुछ उद्धृत करते ही बात कहते हैं कुछ श्लोकों को। नारद जी राजसी सभा में बोल रहे हैं, वहां पर महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। महाराज युधिष्ठिर मुख्य श्रोता है, वो राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय पूरे विश्व के। भगवान उनके सभा में एक सभासद के रूप में बैठे थे, सारे ऋषि मुनि वहां आए थे। नारद जी मुख्य वक्ता है, प्रवचन कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, जब शुरू शुरू में तो वो कथा तो ऐसे है कि महाराज परीक्षित कथा कह रहे हैं गंगा जी के तट पर, इन्होंने कह दिया। महाराज परीक्षित ने पूछा, ये भगवान तो सबके प्रति सम है और वो निर्गुण है, गुणों से परे हैं, तो भगवान क्यों किसी से द्वेष करेंगे? ये क्यों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किए? देवताओं से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ये कहें कि देवताओं की पैरवी मान करके और उनके तरफ से, देवराज इंद्र के तरफ से भगवान ने वध कर दिया हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, तो देवताओं से क्या उनको कुछ मिला, कुछ पैसा दिए, क्या किए? भगवान लक्ष्मीपति हैं, सब तरह से पूर्ण हैं, तो देवताओं से उनको कोई अपेक्षा नहीं है, और प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए दैत्यों से उनको कोई द्वेष नहीं है, तो फिर वध क्यों किए? देवताओं से कुछ लेना नहीं है उनको, वो निःश्रेय स्वरूप है, परिपूर्ण है, और दैत्यों से द्वेष नहीं है, तो फिर क्यों वध किए? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा कहे कि भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, न किसी से कुछ लेना है, लेकिन वे प्रकृति को बनाए हैं, प्रकृति के गुणों को ही कभी कभी उठाते रहते हैं, तो जब सत्गुण बढ़ता है तो देवताओं की विजय होती है, रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्यों की विजय होती है, और तमोगुण बढ़ता है तो राक्षस भूत प्रेत असुरों की वृद्धि होती है। ये प्रकृति के गुण ही करते रहते हैं, भगवान केवल लीला करते हैं। वास्तव में भगवान क्रोध है या द्वेष या लोभ आदि से आकृष्ट नहीं होते।
अच्छा, ऐसे बोलते बोलते ये प्रसंग आया, उन्होंने वध किया हिरण्यकश्यपु का, इसका उसका, तो वही हिरण्यकश्यपु बाद में शिशुपाल बना, तो शिशुपाल का वध हो चुका। तो शिशुपाल का जब वध हुआ तो सब लोगों ने देखा राजसूय सभा में कि शिशुपाल का जो पार्षद स्वरूप है, जीव स्वरूप, वो पूर्ण ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, जगमग किया सभा को और दसों दिशाओं को, और भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमल में समा गया। महाराज युधिष्ठिर तो इस बात को समझते थे कि जीव ज्योति स्वरूप है, ये तो उसका अपना स्वरूप है, लेकिन इतनी चमक है कि चमक के भीतर लोग स्वरूप नहीं देख रहे थे, केवल चमक दिखाई दे रही थी। जैसे आप देखते हैं बल्ब जलता है छोटा सा, तो प्रकाश केवल दिखाई देगा, उसके भीतर तार है या कुछ है वो दिखाई नहीं देता है, देखे है ना। तो जीव का अपना स्वरूप है, जो स्वरूप भगवान कृष्ण का है वही स्वरूप जीव का है, लेकिन इतना प्रकाशमय है कि वो प्रकाश सब लोगों ने देखा कि निकला और भगवान के चरण में समा गया, मतलब भगवान को प्राप्त किया। तो इस पर महाराज युधिष्ठिर पूछे कि शिशुपाल जो इतना द्वेष करता था भगवान कृष्ण से, सभा में ही प्रश्न किया जा रहा है, उसी समय उसके बाद प्रश्न किया जा रहा है जिस सभा में शिशुपाल का वध हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में समा गया, उसके बाद ही ये प्रश्न किया महाराज युधिष्ठिर ने। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कह रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जो भगवान के परम भक्त हैं, परिकर हैं, तो वो पूछे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा पापी व्यक्ति जो जन्म से ही कृष्ण की निंदा करता था, द्वेषी था जन्म से। वो कहते हैं कि जब बोलने लायक हुए दंतवत और शिशुपाल, तो तोतली बोली बोलने लगे, उसी समय से कृष्ण को गाली दे रहे थे, बहुत गाली दे, ऐसे ही स्वभाव ही था, क्योंकि द्वेष भाव भरा हुआ था वो वैकुंठ में सात के कारण अपने आप। जब से तोतली बोली में बोलने लगे तभी से थाला माला कृष्ण को ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही गाली ही देकर के बात करते थे। ये वो शब्द हैं संस्कृत के, उसमें लिखा हुआ बचपन से ही आरंभ करके, और गाली देते रहे। फिर जितने भी हुड थे उनके साथ उनका संपर्क हुआ, कंस से, इससे, उससे, उससे, कंस का जब वध कर दिया भगवान ने, तब शिशुपाल का वैर और बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा। तो रोज सभा करना और कृष्ण कथा करना, उन्हें कृष्ण का दुर्गुण गाली देना, ये करना, यही काम था उन दोनों का, शिशुपाल और दंतवत। होते होते बात बढ़ती गई, और जब भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया तब तो सीमा पार हो गई, उसी रुक्मिणी से इसका विवाह होने वाला था शिशुपाल का, और जो श्रीकृष्ण ले गए रुक्मिणी को, तब तो अब रात दिन केवल कृष्ण की निंदा करता रहता था। तुम्हारा जो युधिष्ठिर को सब पता था, तो इस तरह से कृष्ण की निंदा करने वाला, कृष्ण से द्वेष करने वाला ये व्यक्ति कैसे कृष्ण को पा गया। जो बड़े बड़े भक्तों को भी ये गति प्राप्त नहीं होती है, योगियों को भी प्राप्त नहीं होती, ये गति कैसे पा गया। तब नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि महाराज ये कृष्ण का स्वभाव है, जैसे भी हो, चाहे कोई द्वेष से या काम से क्रोध से कृष्ण के संपर्क में आ रहे उसका हित होता ही है। उसी में से नारद जी एक श्लोक बोले हैं, तो श्रीपद सनातन गोस्वामी है उद्धृत कर रहे हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतो जानति तन्मयतां हते। किसी भी प्रकार से कृष्ण का चिंतन हो तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता ही है, कृष्ण को प्राप्त करता ही है, ये कृष्ण का स्वरूप है। कामम क्रोधम भयम स्नेह, चाहे कोई किसी कामना से कृष्ण में चित्त लगावे या क्रोध में,
यदि क्रोध में कोई कृष्ण में चित्त लगाता है तो फिर भी कृष्ण का तो चिंतन होता है ना, कृष्ण ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा है, कृष्ण माखन चुराता है, कृष्ण ऐसे चरवाहा है, गाय चुराता है, ऐसे वो बोला करते थे। ये कृष्ण को अधिकार नहीं है हम क्षत्रियों के सभा में बैठने का, ये चरवाहा गाय बकरी चराने वाला और आएगा राजपूतों की सभा में बैठेगा, इस तरह से वो लोग बात करते थे। जिसका कोई राज्य नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, सभा में गाली दे रहा था शिशुपाल, जहां समस्त ब्रह्मर्षियों की राजर्षियों की सभा जुटी थी और भगवान की अग्र पूजा हो गई, बस आग लग गई इसको। जिसका वो शत्रु था, जिससे द्वेष था, उसी की अग्र पूजा वहां होने, अग्र पूजा का मतलब है प्रधान पूजा, ब्रह्मा शिव आदि को छोड़ करके और पृथ्वी के बड़े बड़े सज्जन राजाओं को, ब्रह्मर्षियों को छोड़ करके एक गोप की पूजा होने लगी। जब श्री कृष्ण पर वो लोग क्रोधित होते थे तब उनको गोप कहा करते थे, गाय का पालन करने वाला, गाय चराने वाला, जो क्रोध होता था, और जब आदर सत्कार संबंधी के रूप में जब रहते थे तब जादव हैं, ऐसे कहते थे लोग, तो जादव के रूप में सम्मान करते थे, और थोड़ा रंज होने पर बस गोप 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 ऐसे कहा। और श्रीकृष्ण का संबंध वास्तव में दोनों परिवार से था, इनका जन्म तो क्षत्रिय वंश में हुआ था, जादव परिवार में, लेकिन पालन गोप के यहां हुआ था। इनको जब जैसा अगर सद्भावना बढ़ी है तब तो जादव हैं, और जब थोड़ा दृष्टि बिगड़ जाती है तो यही भागवत में भी कई बार यही लिखा गया है, कई बार यही लिखा है। आप जानते हैं कि द्वारका के जादवों के साथ हस्तिनापुर के पूर्ववंशियों का दैहिक संबंध था, विवाह आदि भी हुआ, भगवान के पुत्र का विवाह दुर्योधन की लड़की से हुआ था, और इसके पहले भी बलराम जी की जो माता रोहिणी है वो पूर्ववंश की ही थी, इसलिए उनको पौरवी कहते हैं, रोहिणी। तो वो हस्तिनापुर से आई थी, यहां विवाह हुआ था वसुदेव जी से। तो इस प्रकार से कई संबंध थे उनके, लेकिन एक बार की बात ऐसी है, अभी विवाह नहीं हुआ था सांब का, सांब स्वयंवर में धनुष तोड़ दिए थे और इसलिए लक्ष्मणा का विवाह उनके साथ होना निश्चित हो गया, लेकिन जब सांब ने धनुष तोड़ दिया, स्वयंवर को जीत लिए, तो उनको और लक्ष्मणा दोनों को अरेस्ट करके लोग जेल में बंद कर दिए कि नहीं, गोप के साथ विवाह नहीं हो सकता है। वे लोग अपने को बहुत बड़ा मानते थे, बड़े थे भी, पूर्ववंशी थे, महाराज जजाति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे पूर्व महाराज, तो उन्होंने जवानी दिया था अपने पिता को, इसीलिए राज उनको दिया पिता ने। और तुर्वसु, अनु, द्रोही और जदु, इन लोगों को राज नहीं दिया गया, थोड़ा थोड़ा, चूंकि राजा के लड़के तो थे इसीलिए थोड़ा थोड़ा राज दे करके नाम मात, और ये भी उन्होंने कह दिया कि इन लोगों को राजपूत नहीं कहा जाएगा, तो थे तो राजपुत्र ही, लेकिन अब राज नहीं मिला, पिताजी स्वयं रंज थे, अखंड भूमंडल का राज पूर्व महाराज को दे दिया, और चारों बड़े बड़े भाइयों को उनके वश में करके कि इनके इसके अधीन रहेंगे लोग। वास्तव में ऐसे ही ये लोग थे ही, क्योंकि जवानी नहीं देना पिता को ये अपराध था ना। एक बार मैत्रेय जी कथा कह रहे तो कहते हैं कि इस काल कन्या को आज तक किसी ने पसंद नहीं किया, किसी ने पसंद नहीं किया। काल कन्या मतलब बुढ़ापा, काल की बेटी है ये, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है काल के अनुसार, काल क्रम से, तो इसीलिए इसको काल कन्या कहते हैं। काल कन्या
मतलब बुढ़ापा, इसको कोई पसंद नहीं करता है, इसका नाम है जरा, जरा माने बुढ़ापा। यह किसी को पसंद, कोई भी इसको पसंद नहीं करता, कौन बूढ़ा होना चाहे कौन चाहेगा, कोई पसंद नहीं किया। लेकिन कथा कहते कहते मैत्रेय जी कहते हैं एक व्यक्ति पसंद किया, नहीं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक व्यक्ति ने पसंद किया था कालकर्णी, वो था महाराज जजाति का छोटा बेटा, वो अपने आप स्वीकार कर लिया तो अपने पिता की बुढ़ापा को स्वीकार कर लिया था। ऐसे कथा नारद जी साहब कहते हैं चौथे स्कंध में, श्री नारद जी कहते हैं महाराज प्राचीन बड़ी से कि एक ही व्यक्ति पसंद किया तो बुढ़ापा के साथ ऐसा लगता है जैसे पुरु ने विवाह किया, इस तरह से कह रहे हैं। और वास्तव में जरा नाम की कन्या है, ये स्वयं कन्या है लेकिन ये सबके साथ विवाह करती है, सबको बूढ़ा बनाती है, मतलब बुढ़ापा सबको लग जाती है। एक बार अयोध्या में मैं राम कुमार दास जी रमाणी के पास बैठा था तो हमसे कहने लगे, स्वामी जी मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं लेकिन अंत में आकर के जरा ने मेरे साथ विवाह कर ही दिया अर्थात मैं बूढ़ा हो गया, ब्रह्मचारी हूं लेकिन जरा मेरे साथ होकर रह रही है जरा जरा वाले बुढ़ापा, जरयती इति जरा, जो जीर्ण कर दे शरीर को उसको जरा कहते हैं। तो क्या ब्रह्मचारी रहकर किया कि अंत में जरा के साथ परिणय हो गए वो मजाक कर रहे हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब श्री कृष्ण पर कुछ लोग रंज होते थे तो उनको गोप अभीर ये सब कहा करते थे, और जब खुश होते थे तब महाराज जदू के पुत्र है, जादव है, तो जदू महाराज तो एक राजा थे, ये जजाति के वो पुत्र थे, महान धार्मिक पुरुष थे, भागवत में उनकी बड़ी प्रशंसा है जदू महाराज की, और इनके कुल को उजागर कर दिया भगवान कृष्ण ने और धन्य कर दिया। सर्वत्र बात फैली थी कि इस पृथ्वी पर वंश अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है तो जदू महाराज, और स्थान कोई सबसे पावन है तो है मधुबन ब्रजनंद। अहो अलम श्लाघ्यतम जदोह कुलम, अहो अलम श्लाघ्यतम पुण्यतम मधुर बनम, जदेश पुंसम ऋषभ श्रिय पति स्वजन मना संक्रमण आचार्य। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई स्थान है, धरती है सबसे पावन, तो वो है ब्रजमंडल, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वंश सबसे प्रशंसनीय है वो है जदू महाराज का वंश, जिस वंश में भगवान स्वयं प्रकट हुए, इस वंश की बहुत प्रशंसा की जाती है। तो इस तरह से जब अनुकूल भावना होती थी तो कृष्ण जादव हैं, और प्रतिकूल भावना होने पर तब ये गाय बकरी चराने वाला है ये है वो है। तो शिशुपाल वहीं बैठा था, वही राजा था चेली देश का, और प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण से द्वेष था, और तब तक प्रस्ताव दिया गया कि कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। तो पूजा कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी जी, चारों भाई और भी लगे हुए थे पूजा में, वो तब तक बर्दाश्त किया जब तक पूजा हो गई, और पूजा होने के बाद पूजा होते समय ही शायद पूजा वो खड़ा हो गया शिशुपाल, और जा करके माइक पकड़ लिया और लगा बोलने, किसी का परमिशन नहीं था बोलने का, सारे ऋषि मुनि भरे थे, भीष्म पितामह थे, नारद जी थे, और भगवान विद्यास देव, सब लोग बड़े बड़े लोग, स्वयं भगवान भी बैठे थे। वो बोला, श्रीमद् भागवत में और महाभारत में उसका वर्णन है,
महाभारत में बहुत विस्तार से बोलने में सबसे पहले ये बोलना चालू किया, हलो किया होगा कि जो भी सुनिए सावधान होइए, ऐसा संबोधन करके, और मैं कुछ कहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि सभा, ये जो काल है, समय बहुत बलवान है। यही प्रवचन का शुरू था, समय बहुत बलवान है, समय बहुत शक्तिशाली है। सभा में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों की भी मति को खत्म कर दिया काल, काल को धन्यवाद, वाह क्या समय है। इतने बड़े बड़े लोगों की मति को चौपट कर दिया काल, इनके सामने इस अहिर की पूजा हो रही है, देखिए, और ये सब बैठे हुए हैं, तो काल को धन्यवाद, काल बलवान, क्या कहा। वो प्रकारांतर से युधिष्ठिर महाराज को गाली देने चालू किया, काल बलवान है ये युधिष्ठिर, इतने लोगों को सभा में बुला करके इनको उल्लू बना रहा है, आप लोगों को बुला करके आप लोगों के सामने कृष्ण की पूजा कर रहा है, तो कृष्ण के गुण के कारण नहीं, इसका कृष्ण से प्रेम है इसलिए पूजा कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज वहीं बैठे थे भाइयों से, कृष्ण से प्रेम है इसका, इसकी आसक्ति है इसलिए कृष्ण की पूजा कर रहा है, न कि कृष्ण के गुण से। जब ऐसा करना ही था तो ये किसी घर में भीतर ले जाकर के क्यों नहीं पूजा किया, इसको जो भी भक्ति करनी है कृष्ण की करता है, ये सभा में इतने लोगों को उल्लू क्यों बना रहा है। अब युधिष्ठिर महाराज का भी गाली, इसको पूजा करने के लिए और लोग नहीं मिले, अगर इसको अग्र पूजा करनी थी तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, यहां नारद जी बैठे हैं, इनकी करता है, ये योग्य हैं। चंद्र जी की दही किया और भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया था पूजा का, तो कहता है और ये 400 वर्ष का ये बूढ़ा, इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है, ऐसा नहीं केवल देह ही बूढ़ा हुआ है, इसका दिमाग बूढ़ा हो गया है। और ये बस बस उसी गुट का है ना, ये काशी नरेश की कन्या का हरण किया था, लड़कियों को लेकर भागना इसका स्वभाव रहा है, अपने भाई का विवाह कराने के लिए भीष्म पितामह लाए थे काशी नरेश की कन्या, तो उसने एक कन्या थी, उसका क्या नाम था, अम्बा, तो अम्बा ने बीच रास्ते में कह दिया कि मैं अपना मन सालों को दे चुकी हूं, आप हमें छोड़ दीजिए, तो भीष्म पितामह ने छोड़ दिया, लेकिन रथ पर चढ़ाने में उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था, तो हाथ पकड़ा था तो ये तो न्यूज़पेपर में छपा था पूरा भारत में कि एक ब्रह्मचारी ने कन्या का हाथ पकड़ा, तो ये कहा कि कृष्ण दूसरे की स्त्री को लेकर के भागा है, इसकी पूजा हो रही है, और उसको सपोर्ट कौन किया है, ये दूसरा ब्रह्मचारी, ये क्या किया था सबको पता है ना, और जो पूरा खोलने लगा है, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, और ये काशी नरेश की कन्या का हरण किया था, ये अनुमोदन कर रहा है। हम तो कहते हैं कि अगर पूजा अगर करना तो बल्कि इसकी करते ठीक रहता है, 400 वर्ष कम से कम उम्र में तो सबसे ज्यादा है ना, इस तरह से बोल रहा है। क्षत्रियों में बल की पूजा होती है, वैश्यों में धनी की पूजा होती है, धर्म की पूजा होती है, ब्राह्मणों में ज्ञान की पूजा होती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई धन नहीं है, और जरासंध जी के डर से, ये तो पहले की घटना है, जरासंध जी के भय से अपनी राजधानी मथुरा भी छोड़ दिया, यहां जन्म लिया जन्मभूमि कोई छोड़ता है, लेकिन डर करके छोड़कर भाई, इसमें बल उल कुछ है नहीं है, तो ये तो क्षत्रिय के गुण से भी शून्य है, धन तो कुछ है ही नहीं है, धरती पर कहीं भवन नहीं, घर नहीं, जाकर के समुद्र में किला बना करके रहते, द्वारका किला बना करके रहते पानी के अंदर, यही भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन वो तो प्रतिकूल भाव से सब कुछ देख रहा था,
ये नाचता है, गाता है, गवैया नचवैया है, इसका इस समाज में, इसको तो इस समाज में आने नहीं देना चाहिए था, और ला करके फिर सबसे श्रेष्ठ पूजा, हद हो गया। वो अपना धनुष बाण उठा लिया, लड़ने के लिए तैयार हो गया, हमको ये नहीं सहना है, मारना है, करना है। बहुत सभा में विघ्न हो गया, खलबली मच गई चारों तरफ से, क्योंकि वहां तक युधिष्ठिर महाराज के पक्षधर सभी भरे पड़े थे और बड़े बड़े बलवान लोग थे। इंद्राम के भगवान ने ही स्वयं शांत किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग चुपचाप बैठिए, सबको भीमसेन को सबको रोके, कोई कुछ ना करे। भगवान की भगवत्ता वहां भी प्रकट है कि इतनी गाली और निंदा सुनने के बाद ये क्षुब्ध नहीं थे। वास्तव में भगवान तो इन सबसे परे हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि बड़ी शांति से उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला उतार दिया, मस्तक काट दिया, काट दिया, इसके बाद शांत। और उसके पक्ष के कुछ लोग फिर हाहाकार किए, ये किए, लेकिन जब गला कटा तो उस दृश्य को देख करके भाग गए सब शांत से। फिर यज्ञ हुआ, यज्ञ में हवन और कथाएं ये सब चलती रहती थी। मैं यह कह रहा था कि शिशुपाल द्वेष से कृष्ण का चिंतन किया, क्रोध से, लेकिन वो भगवान को पा गया। और गोपियों ने, श्री नारद जी ने कहा है, गोप्य कामा भया कंस द्वेषा चैद्या दयो ने पा संबंधा दृष्णयो जोजम स्नेहा भक्त्या वयम विभो। श्री नारद जी ने कहा कि काम से गोपियों ने कृष्ण में मन लगाया, कृष्ण का भजन किया, और क्रोध से शिशुपाल का मन कृष्ण में लगा, स्नेह से आप लोगों का मन लगा है कृष्ण के प्रति, और संबंध से जदुवंशियों का मन लगा है, और भक्ति से हम लोगों का मन लगा है। नारद जी का भक्त्या वयम, तो किसी भी तरह से कृष्ण में मन लगना चाहिए। जिन के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश है, ये कृष्ण का ऐसा स्वरूप है, किसी भी भाव से कृष्ण का कोई चिंतन करे, मनन करे, इच्छा करे, कामना करे, तो वह कामना उसको बंधन में नहीं डालती है, मुक्त कर देती है। तो फिर गोपी जनों के लिए तो कहना ही क्या। गोप कुमारियों ने माता का कैनी का अर्चन किया था, इनका मन पूरा कृष्ण में आविष्ट था, और कृष्ण से, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई कामना इनकी नहीं थी, कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना थी। यह कामना नहीं थी कृष्ण हमारे पति बने और फिर कृष्ण हमें मेंटेन करें, कृष्ण हमको ये दें, कृष्ण हमको ये दें, इस स्वप्न में भी कोई कामना नहीं थी। कामना यही थी कि हम कृष्ण की सेवा करें। तो वहां तो काम शब्द केवल संकल्प के लिए, मनोरथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, न कि कामदेव के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोप कुमारियों का जो भाव है वो अद्भुत भाव है। स्वकीय भाव की स्त्रियों में तो ये कामना रहती है कि पति हमें घर बना करके दे, हमें भोजन दे, हमें कपड़ा दे, अलंकार दे, हमारी रक्षा करे, अपेक्षा रहती है, लेकिन परकीय भाव में यह अपेक्षा नहीं रहती। केवल स्वसुख वासना है गोप कुमारियों में, गोपियों में, तो अपना सर्वस्व दे करके, अपना देह दान करके, अपना सब कुछ दे करके प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करना है, यही काम। तो श्री गोपीजनों के काम की कहां तक बड़ाई की जाए, साधारण व्यक्ति भी, साधारण भक्त भी, जिसका मन भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, उसका काम भी, राज्य धन प्राप्ति आदि का जो काम है, वह भी कामाय न कल्पते, वो काम के योग्य नहीं होता है, वो केवल सांसारिक धन संपत्ति के उपभोग के योग्य नहीं होता है, बल्कि वह अकामाय कल्पते विशेष, वो समस्त कामनाओं से मुक्त कर देता है, वो प्रेम स्वरूप होता है, उसी को श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं परम पुरुषार्थ होता है।
अतः भगवान ने अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे गोप कुमारियों, हे अबलाओं, तो अबला शब्द संबोधन करो, जाता बला हे अबलाओं। अबला का भाव ये है, तुम लोग कन्या हो, तो कन्या होने से माता पिता की पराधीनता में रहना ही है तुम्हें, स्वतंत्रता नहीं है, इसी को व्यक्त करने के लिए अबला कह रहे हैं। हे अबलाओ, व्ययम सिद्धा पूर्ण मनोरथा, तुम सिद्ध हो, पूर्ण मनोरथ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, अतः ब्रजम जात गच्छत मया सह इमाह आगामिनी छपा रात्रि शारदी रंस्यथ रमणम करिष्यथ। भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो देवता की आराधना की है, माता दुर्गा की आराधना की है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, वो सत्य होगा। हे सतियों, जिस प्रयोजन से तुमने माता दुर्गा की पूजा की है, वह मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होगा। क्या मनोरथ था गोपीजनों का? ऐसे पहले के मंत्र में अगर पढ़ा जाए तो गोप कुमारियों का मनोरथ था कि हे देवी, कृष्ण को हमारा पति कर दीजिए, पति बना दीजिए, ये मनोरथ था। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जत उद्देश्य इदम व्रतम आर्यार्चनम आर्याया कात्यायन्य अर्चन रूपम व्रतम चेरु चक्रु, जिस उद्देश्य से तुमने माता दुर्गा जी की पूजा किया, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। वो क्या मनोरथ था? भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि आगामिनी शरद कालीन रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। इसका अर्थ है कि गोप कुमारियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति विहार की इच्छा थी कि हम कृष्ण के साथ हो जाए। यही उनका मनोरथ था कि सब कुछ छोड़ करके, सबसे अनपेक्ष होकर के हम प्रियतम श्याम सुंदर के साथ वृंदावन में रहे। कोई लोक नहीं, कोई स्वजन नहीं, परजन नहीं, कुछ नहीं, बस कृष्ण के साथ हम रहें, कृष्ण का श्रृंगार करें, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के साथ नाचें, गावें, विहार करें, यही मनोरथ था। अन्यथा भगवान ऐसा क्यों करते? वो पहले पति के रूप में विवाह करके पति का कार्य करते, लेकिन वो कह रहे हैं कि जद उद्देश्य आर्यार्चनम व्रतम चेरु, आर्या दुर्गा जी को कहते हैं, कात्यायनी को, जिस उद्देश्य से आर्या की तुम लोगों ने पूजा की है, पहले भगवान ने कहा कि मेरे साथ रमण करोगे, मेरे साथ विहार करोगे, जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी की पूजा की है, इसका मतलब यही उद्देश्य है, यही सफलता है। श्री गोपी जनों में भगवान की इच्छा से, जोग माया की इच्छा से ये परकिया भाव का उदय हुआ है। परकिया भाव में और परकिया होने में बहुत अंतर है। श्री गोप कुमारियां या गोपियां भगवान श्री कृष्ण की परकिया नहीं है, स्वकिया भी नहीं है। वहां परकिया स्वकिया दोनों शब्दों का प्रयोग ही व्यर्थ है। वास्तव में भगवान के संबंध में भगवान के लिए कोई पराया नहीं है, और स्वकीय भी नहीं कह सकते, इसलिए कि भगवान के तो सभी अपने हैं, सब कुछ जो कुछ भी है उनकी शक्ति का कार्य है, तो उनके लिए स्वकीय का प्रयोग करना भी गलत, परकिया का तो गलत है। पर गोपियों में परकिया भाव है, परकिया भाव होने में और परकिया होने में बहुत अंतर है। एक जगह समझाते हुए श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक फटकरी होता है, फटकरी कहते हैं ना, फटकरी, वह भी देखने में मिश्री जैसा लगता है,
तो मिश्री जैसा दिखाई पड़ना अलग है, परंतु मिश्री होना दोनों का एक अलग चीज है। फिटिकरी खारा होता, तीता होता है, उसको पानी में घोला जाता है तो पानी तक आदमी नहीं पी सकता है, डायरेक्ट फिटिकरी क्या खाएगा, इतना डाइल्यूट पानी के साथ किया जाता है फिर भी नहीं पी सकता, वो बहुत बुरा लगता है। और मिश्री को खाया जा सकता है साक्षात, और पानी में घोल करके उसका शरबत बना करके पिया जा सकता है। लेकिन कदाचित मान लीजिए दो ढोका रखा हुआ है, एक मिश्री का और फिटिकरी का, एक जगह पर कहीं रखा हुआ है, तो कोई कहे कुछ भी हो, आखिर दोनों तो एक ही जैसा दिखता है, देखने से क्या होगा। परकिया होना और परकिया भाव मात्र होना, दोनों में बहुत अंतर। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की यह परकिया है और श्री कृष्ण ने इनके साथ विहार किया, रासलीला किया, तो अन्याय किया, धर्म किया, नहीं नहीं। भाव परकिया का अपनी ही पत्नी है, मान लीजिए अपनी ही प्रिया है, और अपने ही पति से वो परकिया भाव की दृष्टि से मिले, छिप करके मिले, लोक से भिन्न मिले, तो ये अधर्म नहीं हो जाएगा। किसी विशेष रस की पुष्टि के लिए भगवान ने परकिया भाव उनमें भरा था, भगवान की शक्ति। इस श्लोक में मया इमा रंस्यथ, रंस्यथ मेरे साथ रमण करोगे, विहार करोगे, यही उद्देश्य था उनका, जिसका अर्थ है कि उनमें यह इच्छा नहीं थी कि भगवान ने उनमें ये इच्छा नहीं भरा कि विवाह करके और घर गृहस्थी के बंधन में रहे और उनका जो प्रेम भाव है, कृष्ण से मिलन की लालसा है, वो शिथिल हो जाए। इसी लीला के, इसी रस की प्राप्ति के लिए तो भगवान ने ये ब्रज में इस प्रकार का विहार किया। तो भगवान भेज रहे हैं कि तुम लोग जाओ और मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, जिसके लिए तुमने कात्यायनी की पूजा की थी। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायंतस तत्पदाम भोजन कृष्णा निर्वेशुर ब्रजम। भगवता इति आदिष्टा, भगवान ने ऐसा आदेश दिया, यह श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। रासलीला में भगवान ने अपनी भगवत्ता का सार प्रकट किया। माधुर्य भगवत्ता सार, ब्रजे कैल परचार, तहा सुख व्यासर नंदन। भगवत्ता का सार है माधुर्य, ऐश्वर्य का सार है माधुर्य, भगवत्ता का सार माधुर्य है, माधुरी। भगवान श्री कृष्ण कितने सरस हैं, कितने मधुर हैं, इसको उन्होंने प्रकट किया ब्रज में, इसको भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ यह नहीं है कि बहुत प्रभावशाली, विशाल, जैसे तैसे पूज्य। भगवत्ता का मतलब है जो अपनी अद्भुत असमूर्ध शक्ति से सबको अपनी ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो माधुर्य जो है वही भगवत्ता का सार है। और इस लीला में गोपी कुमारियों के साथ रमण करने में, गोपियों के साथ रमण करने में भगवान अपने भगवत्ता के सार को प्रकट करेंगे, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी इनको भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जब आदेश दिया ब्रज में जाने का, तो वे अपने अभीष्ट को प्राप्त कर चुकी थी, भगवान ने उनके मनोरथ को पूरा किया था यह कहकर कि मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। और तब वे भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हुए ब्रज में चली गई। बड़े कष्ट से गई, जाना नहीं चाहती थी, बड़े कष्ट से गई, क्योंकि श्री कृष्ण को देखते हुए नहीं जा रही थी, केवल ध्यान करते हुए जा रही थी। सिद्ध सनातन गोस्वामी कहते हैं ध्यायंतस्त पदाम भोजन, जिस श्री कृष्ण को हंसते हुए, बात करते हुए देखी है, लीलाएं करते हुए, अब उनका केवल चिंतन करते हुए जा रहे थे।
और जाना पड़ रहा था ब्रज में, घर जाना पड़ रहा था भगवान कृष्ण को छोड़कर के, परंतु उनकी आज्ञा से वे गई। अब देखिए उस समय आएगा, एक साल के बाद रासलीला जब हुई, तो आप सुने हैं पढ़े हैं भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण के वेणु नाद को सुनकर गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके देह की सिद्धि भूल करके और कृष्ण के पास चली। वो तो जिस दिन श्याम सुंदर ने कहा था कि आगामी शरद काल के रात्रियों में हमारे साथ तुम्हारा विहार होगा, उसी काल की प्रतीक्षा में और दिन रात समय बिता रही थी। एक एक क्षण उनका एक एक युग की तरह बीत रहा था। कब श्याम सुंदर बिताएंगे, कब बुलाएंगे, कब वृंदावन में हमारा विहार होगा, उनके साथ हम कब रहेंगे, यही मन रहा था। घर का काम धंधा करती थी केवल शरीर के स्वभाव बस, लेकिन उनका मन कभी नहीं था। और जब श्याम सुंदर ने बांसुरी पर नाम ले लेकर के गोपियों को बुलाया, तो क्या वहां प्रश्न हो सकता था कि क्यों छोड़ी और कैसे चली। जब एक साल से उत्कंठा बढ़ ही रही थी, पहले से ही लालसा थी, और एक साल पूर्व जब भगवान ने वचन दिया था रास विहार का, और उसके बाद जब नाम लेकर के बांसुरी में बुलाए, तब तो कितना आवेग था उसका वर्णन किया गया है भागवत में। सब कुछ छोड़ करके श्याम सुंदर के पास चली, चली। रुकने वालों ने प्रयास किया लेकिन नहीं रुकी। गोविंदा प्रहतात माना, इस पर टीका लिखते हुए श्रीजीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वे चल दें। वैसे एक उदाहरण दिया जाता है जैसे कोई नौका किसी प्रवाहशील भयंकर प्रवाह में पड़ी हो, नदी में, नदी की धारा बहुत तेज हो और उस नौका पर कुछ लोग चढ़े हुए हों और नौका बही जा रही है, बही जा रही है जोर से नीचे की तरफ, तो उसको तट पर खड़ा होकर के कोई कहे रुको 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 रुको, क्या कोई रोक सकता है उसको? कहने से रुकेगी? तो सास ससुर आदि रोक रहे थे, या पति रोक रहे थे, बांह पकड़ रहे थे, और लेकिन एक तरफ गोविंद खींच रहे हैं, एक तरफ कृष्ण खींच रहे हैं, और एक तरफ घर के लोग लगे हुए हैं रोकने पर, लेकिन नहीं रुकी, नहीं रुकी, चल ही दे। इस घटना से सहज उस दृश्य का अनुमान किया जाएगा कि कितना गोपियों में वेग होगा कृष्ण के पास जाने का, जब पहले ही सारा चित उन्मुक्त हो चुका था, सारा बंधन खत्म हो चुका था, कृष्ण के अतिरिक्त को जानती नहीं थी, और वही कृष्ण फिर बुला रहे हैं। तो इस प्रकार की लीलाएं हैं। तो श्री गोपियां चली गई ब्रज में, बड़े कष्ट से गई, उनका मन नहीं लग रहा था एक क्षण भी किसी भी काम में, किसी के पास भी रहने में। गोपियों ने कहा है आगे चलकर भगवान से कि हम तो किसी के पास एक क्षण ठहर भी नहीं सकते, स्थातुम त्वयाभिरमिता दत्त पारयाम, स्थातुम न पारयाम, आप सेवा की बात कर रहे हैं, हम किसी के पास रुक नहीं सकते हैं, फिर हमारे हाथ सेवा आदि का क्या करेंगे, हम हाथ से केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके पास रहना चाहते हैं, हमारे पैर ब्रज में नहीं जा रहे हैं, हमारे हाथ किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी के पास हम रुक नहीं सकते, सेवा की बात तो अलग है, हम न पारया मास्था तुम, हम रुकने में भी पार नहीं पा सकते, नहीं ठहर सकते। ये गोपियों का सहज अधिकार है, सहज योग्यता है भगवान से प्रेम करने का, उन्होंने प्रेम किया है, इसीलिए तो संसार में जितने भी बड़े महापुरुष हुए रियल सेंस में, जैसे उद्धव जी, ब्रह्मा जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये सब गोपियों के चरण धूलि की भूरी भूरी प्रशंसा की। उद्धव जी तो ये चाहते हैं कि मैं ब्रज में तृण लता गुल्म बन जाऊं जिससे गोपियों के चरण रज मुझ पर पड़ती रहे, इसके लिए वे छोटे छोटे पौधा बनना चाहते। जो व्यक्ति भागवत को क्रम से सुनता है, एक एक चीज को ढंग से, उसे भागवत आत्मसात होगा, वो समझेगा ठीक ठीक।
जैसा अभी हम विचार कर रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाए हैं रासलीला में, गोपियां जिस तरह से चली हैं, तो अब ये लीला पढ़ने पर ये पता चलता है कि उनका एक एक क्षण किस तरह प्रतीक्षा में बीत रहा होगा कि कब श्याम सुंदर हमें बुलाएंगे वृंदावन में, कब बुलाएंगे, कब हम उनके साथ रहेंगे। इसे समझ में आता है। अतः भक्तों का कर्तव्य होता है कि भागवत को सांगोपांग पढ़े, सुने ढंग से, और ऐसा पढ़ने से सुनने से तब भगवान श्री कृष्ण में चित्त पूर्ण आविष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से क्रम से बहुत आवश्यक। श्रीमद् भागवतम पांच महासाधनों में एक महासाधन है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवतार्थ स्वाद, श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन। जस्ट केवल पढ़ना और सुन ही नहीं लेना, उसके अर्थ का आस्वादन। इसके अर्थ का आस्वादन क्या है? इसके अर्थ तो कृष्ण है और कृष्ण के परिकर है, उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है उस संबंध का आस्वादन। और उस संबंध के अनुसार यदि भागवत के श्लोक गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, तो यह भी आस्वादन है। आस्वादन भगवान की भक्ति में सबसे ज्यादा रस है और भागवत में सबसे ज्यादा रस है, तो इसका आस्वादन करना है, इसको गाना, सुनना, चिंतन करना बारंबार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आस्वादन में और साधारण पाठ में अंतर है। यदि वो अभी आस्वादन बन सकता है, यदि अनुराग के साथ आदमी करे, तो कोई व्यक्ति कोई रस पी रहा है तो उसकी मिठास का अनुभव करते जाए, कभी आंखें अर्ध खुली हों और ऐसे, तो उसको आस्वादन कहेंगे, रस का अनुभव करते जाए। श्रीमद् भागवतम में यह रस है। तो श्री भगवान ने आदेश से गई ब्रज में, बहुत कृष्ण। तो अब भिन्न कथा का उपक्रम कर रहे हैं। श्री गोप कुमारियों पर भगवान कृपा किए, इसका स्मरण करके श्री सुखदेव जी को अब ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया, चूंकि स्त्री पर कृपा किया तो स्त्रियों पर और पर भी कृपा किया, उसकी याद आने लगी। तो अब जग पत्नियों के उद्धार के विषय में कथा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन पर भी कृपा किया सादृश्य देख करके। स्त्रियों पर कृपा की बात कर रहे थे, तब तक फिर और स्त्रियों ने भगवान से प्रेम किया है। तो इस प्रसंग में जग पत्नियों के उद्धार की कथा भी कही जाएगी। और दोनों प्रसंग में भगवान ने स्त्रियों पर कृपा किया है। और ये देखा जाए श्रीमद् भागवत के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक आदर, सबसे ज्यादा प्रेम उनसे कोई किया है तो स्त्री समाज ने किया है। ये पूरी लीलाओं को देख करके आप समझ सकते हैं पढ़कर। यहां पर पुनः एक कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। तो अथ गोपैः परिवृत्तो भगवान पशुदेवकी सुतः, अथ गोपैः परिवृत्तो भगवान देवकी सुतः, वृंदावनागतो दूरं चारयन् गः सः अग्रजः। यह नहीं समझना चाहिए कि उस कथा के बाद तुरंत की ही ये, उस लीला के बाद तुरंत की ही लीला है। जगपत्नियों के उद्धार की लीला ये उसी दिन के या उसी क्रम में नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक लीला में सादृश्य देख करके दोनों को साथ साथ कह रहे हैं। उसके बाद उसको
अथा का अर्थ है अब, लीलांतरारंभ है अथ शब्द है, अथ यहां लीलांतर हो रहा है, एक लीला के बाद दूसरी लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का शब्द है अथ। अथ और ओम ये दो शब्द ब्रह्मा जी के कंठ से निकले हैं शुरू में, और बड़े पवित्र हैं। किसी मंत्र के या अध्याय के शुरू में अथ शब्द लगाते हैं, प्रसंग के शुरू में अथ, और किसी मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाते हैं। ओम और अथ ये दोनों बड़े पवित्र शब्द, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं अथ अथ। गोपी परिवृतो भगवान देवकी सुता, देवकी सुता है भगवान। देवकी शब्द की व्याख्या पहले की जा चुकी है, यहां देवकी का अर्थ है जसोदा। जसोदा देवकी पिचा, दे नामनी नंद भारजाया जसोदा देवकी पिचा। तो हम हमेशा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दी गई है तो समझ लेना चाहिए। जसोदा नंदन परम मधुर दयालु श्री कृष्ण गोपी परिवृतो, गोपों से घिरे हुए, गायों का पालन करने वाले अर्थात गोपालों से घिरे हुए सबके बीच में वृंदावन से दूर चले गए। वृंदावनाद गतो दूरम चारयन गाह सहाग्रज, गाय चराते हुए दूर गए। दूर क्यों गए? वृंदावन से दूर गए। दूर का मतलब वृंदावन से बहुत बाहर नहीं, बहुत आउट नहीं, वृंदावन में ब्रज से जो उनका गांव था जहां निवास था उससे दूर चले गए, यही अर्थ है। ऐसे ब्रज में अनेक वन हैं, तो यहां पर खास करके कहां पर जा रहे हैं देखिए उसको। अधुना श्री गोप कन्यासु प्रसादम इव यज्ञ पत्नीसु प्रसादम प्रस्तावत वक्तुं तत् प्रसंगम आरभते अथ इति, कालांतरे कदाचित ग्रीष्म समय इत्यर्थ। ये ग्रीष्म समय की लीला है, गर्मी के दिन की लीला। ये लीला गोप कुमारियों पर हुई, गोप कुमारियों के साथ वो है जाड़े का, जाड़े की लीला, और ये गर्मी की लीला। निदार घात तपे तिग्ने, निदार घार का तपे तिग्ने, आगे वर्णन आया इति वक्षमानत्वात्। अतएव सहाग्रज श्री बलदेवेन सहित गोप कन्या वस्त्र हरण दिने तत्र तेन साहित्य अभाव। यह सह अग्रज कह रहे हैं, श्री भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और गोपों के साथ वृंदावन से गाय चलाते हुए दूर चले गए। गोपियों के वस्त्र हरण की कथा कहते समय श्री सुखदेव गोस्वामी ने बलराम जी के साहित्य को नहीं कहा, वो सहित थे कृष्ण, कैसा नहीं कहा, उस दिन वो नहीं गए, यहां तक कि और गोप भी नहीं गए। किसी तरह से श्री बलराम जी को वंचित करके, गोपों को वंचित करके, उनसे छिप करके ये चले गए थे दिनेश जी के तट पर। उस दिन की लीला की बात कह रहे हैं, अब इस बार जब कह रहे हैं तो इसमें श्री बलराम जी हैं सह अग्रज और गोप सखा। गोपी परितो वृत इति प्रागोक्ति, पहले ही कथा में कहा गया है गोपों से घिरे हैं। वक्षमाण लीलाया तेषाम अपेक्षा विशेष देवक्या सुत जग पत्नीसु माथुरीसु तथैव प्रतीत है, अतस्तेषाम भावे में आकर्षणा। और शिल सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यहां पर देवकी श्रुति से कहा जा रहा है कि जग पत्नियों पर कृपा करनी है, और जग पत्नियां मथुरा के थी, और उन लोगों ने यही जाना है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था।
खास हमारे गांव के तो जग पत्नियां मथुरा की हैं। यदि यज्ञ हो रहा था वृंदावन के निकट लेकिन थी में मथुरा की, तो माथुरीसु तथैव प्रतीते, तो मथुरा की स्त्रियों को यही इसी बात का पता था कि कृष्ण मथुरा में जन्म लिए हैं। अतः उनके भाव के अनुसार ही सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं देवकी सुता, यहां ये अर्थ समझ लेना चाहिए। अथवा पहले ही व्याख्या हो चुकी है कि देवकी सुत का मतलब है जसोदा सुत। तो जग पत्नियों के भाव के अनुसार आकर्षित किए गए हैं कृष्ण, इसीलिए देवकी सुत का प्रयोग है। तद गृहांतिके या तुम वृंदा बना दूरम गता इत्यादि, तो उनके घर के पास जाने के लिए, ये भी मथुरा से दूर नहीं है, जो जगपत्नियों का स्थान आप लोग देखे हैं ये मथुरा लगभग ही है, और वृंदावन तो 84 कोस फैला हुआ और बहुत दूर तक है। तो माथुरीसु तथा प्रतीत अतस्तेषां भावेन आकर्षणात् तद गृहांतिके या तुम वृंदा बना दूरम गता इत्यादि, तो उन जग पत्नियों के घर के पास, घर मतलब जहां वो यज्ञ हो रहा था, जहां रहती थी, उनके निकट जाने के लिए वृंदावन से दूर गए। जतो भगवान परम दयालु, क्योंकि परम दयालु है इसीलिए इनको भगवान कहा। जदवा देवकी श्री जसोदती व्याख्यातम एव, ततश्च दूरे गमनम श्री जग पत्नी अनुग्रहार्थम एव श्री स्वामी पाद व्याख्या मते, जग पत्नियों पर कृपा करने के लिए ही भगवान दूर गए। उस समय श्री बलराम जी कहीं से आ गए, कहां थे बलराम जी जहां भी होंगे, ये तो भिन्न समय की लीला है, अतः श्री बलराम जी तो साथ में रहेंगे, पहले नहीं थे बाद में आकर मिल गए। श्री बलदेव से तत्र आगमन से अजोग्यत्वात्, पहले गोप कुमारियों पर कृपा करते समय बलराम जी का वहां आना ठीक नहीं था, योग्य नहीं था, इसलिए नहीं आए थे। अथवा हो सकता है ये हलधर हैं, श्रीकृष्ण गाय चराने गए तो ये कुछ खेती गृहस्थी देखने लगे, खेती कृषि देख रहे होंगे, और उसके बाद तब फिर कृष्ण के पास आ गए गाय चराने। हलधर है ना, तो हलधर मतलब ये खेती के इंचार्ज हैं और श्री कृष्ण गाय चराने के इंचार्ज, तो गो पालन करते हैं, कृषि करते हैं, तो घर में कुछ खेती होनी चाहिए ना, तो बलराम जी पहले खेती होती देखे सवेरे 1 घंटा और चले। अथ सहाग्रज देवकी सुतः गोपै परिवृत गाह चारयन वृंदावनात् दूरम गतः। तो उस समय हुआ क्या, गर्मी का महीना था, अतः निदाघार का तपे तिग में छाया भी स्वाभिरात्मन आतपत्रायतान वीक्ष द्रुमा न व्रजरूपसः। देर से कथा चालू हुई थी इसलिए कुछ देर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, कथा में बैठने से पहले सब लोगों को प्रस्राव आदि करके फ्रेश होकर बैठना चाहिए, जिससे कथा में फिर कोई फोर्स ना हो, बाधा ना हो, पहले से सीख लेना चाहिए। इतना अपने पर कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि बीच कथा में पेशाब लग जाए, अब तड़प रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, या ये मनाते होंगे लोग कि कब महाराज थकेंगे अपने दोष को स्वयं मिटाना चाहिए, इतना तैयार होकर बैठना चाहिए कि अब 2-3 घंटे के भीतर मुझको प्यास नहीं लग सकती है, भूख नहीं लग सकती है, और नींद भी नहीं आ सकती है, इतना तैयार रहना चाहिए और पेशाब नहीं लग सकती है, इतना अपने को कर, इसको संयम कहते हैं, कथा सुनने की योग्यताएं होती हैं।
ये नहीं कि बस घंटी बजी और आकर बैठ गए, कुछ भी नहीं विचार किए कि कैसे बैठना क्या बैठना, तो आधे घंटे में ही अब क्या आदमी कथा सुनेगा। अपनी तैयारी स्वयं होनी चाहिए ना। तो अब सुनिए कथा आगे की। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वृंदावन से दूर चले गए, क्या करने के लिए? ऐसे मन में तो था कि जग पत्नियों पर कृपा करनी है, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करनी है, लेकिन बहाना क्या किए, गाह चारे, भाई गौवे चर रही है, चर रही है, मान नहीं रही है, जहां खड़खड़ चरते हुए चली जा रहे हैं तो चली जा रही है। ऐसे प्रकट रूप से उन्होंने आभास नहीं होने दिया कि हम मुझे ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करनी है, उनको दर्शन देना है, उनका प्रसाद खाना है, इसीलिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। गौओं को छोड़ दिया गया, गौवे चर रही थी और भगवान की इच्छा से वो चर रही थी, चर रही थी, चरते 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 दूर चले गए। और गौओं को चराते हुए जा रहे थे, इसलिए उस दिन ऐसी घटना हुई कि बीच में कहीं खाने पीने का प्रबंध नहीं हुआ। गोचारण में ऐसा होता था, कृष्ण बलराम और गोपों को उनके घर के लोग भेजते थे जंगल में, पता लगा करके कहाँ हैं, तो प्रसाद भेजते थे, कलेवा नाश्ता भेजते थे, लेकिन उस दिन उन लोगों को स्वयं ही पता नहीं चला कि गौवें किधर गई, कितना दूर चली गई, तो दूर जान करके वो लोग नहीं ला पाए। और श्री कृष्ण भी ऐसे चले कि वे लोग हम लोगों को भोजन न पहुंचा पाए, क्योंकि भगवान को भोजन करना था आज जग पत्नियों के यहां, ये उनके मन में था, इसलिए वो ऐसे ट्रिक से गौओं को चराने का प्रयास किए कि दूर चली आई। और तब घर के लोगों ने सोचा कि कहां कहां गए, क्या क्या गए, तो गौए लौटा लाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता था, गौओं को एक निश्चित स्थान पर लौटा लेते थे, वहां से बुलाते थे, प्रसाद वहां आता था, खाते थे, पीते थे, आज कुछ नहीं खाए और वृक्षों के फल भी नहीं खाए। उसका कारण क्या था फल नहीं खाने का, वो बाद में बात आएगी। तो श्री कृष्ण जा रहे थे गोपों के साथ, श्री बलराम जी के साथ, गौओं को चराते हुए जा रहे थे, स्वतंत्र ऐसे कोई रास्ता पकड़ करके टूर में नहीं जा रहे थे, गाय चराते हुए जा रहे थे। गर्मी के महीने में सूर्य के आतप में भयंकर तीक्ष्ण धाम में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो वृक्ष है ये उनके ऊपर या गोपों के ऊपर या गौओं के ऊपर छत्ते की तरह छाया कर रहे हैं, छाता की तरह छाया कर रहे हैं। निदाघार का तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मन आत्पत्रायतान विच्छे अद्रुमा नाह ब्रजावक्ष। तिग्मे तीक्ष्ण निदाघ अर्क आतपे निदार घार कस्य ग्रीष्मार कस्य, ग्रीष्मकालीन सूर्य के आतप में आत्मन स्वस्य स्वाभि छाया भी आत्पत्रायतान द्रुमान वृक्ष ब्रजौकसः आह। भगवान ने देखा कि ये वृक्ष जमुना जी के किनारे आतपत्र की तरह बितान की तरह फैल करके और सूर्य के ताप से हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने देखा, गर्मी का महीना था लेकिन शीतलता का अनुभव हो रहा था, वृक्ष इतने बड़े बड़े थे और छाया दे रहे थे, उनके पत्ते फैले हुए थे, शाखाएं फैली हुई थी, छाया दे रहे थे। भगवान ने देखा किसके किसको छाया दे रहे हैं, किसके लिए छत्र बन गए हैं, आत्मन मेरे लिए, अथवा समस्त समाज को ही आत्मभाव से भगवान देख रहे थे कि हम गोपों के लिए गौओं के लिए ये छत्र का काम कर रहे हैं। तो उन द्रुमान वृक्ष उन वृक्षों को देखकर भगवान ब्रजौक से ब्रजवासियों से अर्थात अपने सखाओं से मित्रों से बोले।
कथम दूरम गतस तदाह निदाघेति सप्त भी आत्मनः भगवतः ब्रजौक सह गोपाना। अपने गोपों से बोले चाहे अपने पर छाया देते हुए वृक्षों के प्रति बोले, ब्रजौक सह गोपान आह। प्राय बन्या नामे वो गोपा नामे वो वृक्ष हिता चरणात्, गोप भी ब्रजवासी हैं और वृंदावन के वृक्ष भी तो वनवासी हैं ही, तो उनकी प्रशंसा अपने सखाओं से कर रहे हैं। तथा तो सखे ने तेसु प्रिय वृत्त से वर्णित्व जदवा आत्मनो ये ब्रजोक्ष गोप गवादय तान प्रति आत्पत्रायतान वृक्षान दृष्टवा जदवा आत्मन प्रति बहुत परम प्रियतया भेदाभावेन स्वीकृतान गोपान गोपान आत्मरूपत्वा। भगवान अपने गोपों से बोले, वृक्षों को दिखा दिखा कर बोल रहे हैं, हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन विशाल ऋषभ ओजस्विन देव प्रस्थ बरुथप। भगवान ने अपने 10 मित्रों को कह रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं, उनका नाम ले करके। भगवान के 10 मित्र मुख्य थे जो गोचारण में या वन में भ्रमण करते समय सब तरह से इनकी सेवा करते थे, 10 दिशाओं से सेवा करते थे श्री कृष्ण की, सख करते थे, खेलने में साथ रहते थे और श्री कृष्ण की रक्षा करते थे। किसकी बात हो रही, उनको बताना चाहिए। श्री कृष्ण की लीला सुन रहे हैं, श्री कृष्ण वृक्षों की सेवा को देख करके अपने सखाओं से बात कर रहे हैं, भगवान का प्रवचन चलने वाला है, सावधानी से सुनिए। तो भगवान ने 10 मित्रों का नाम रख रहे हैं, उनके 10 के नाम इस तरह से हैं, हे स्तोक कृष्ण। भगवान ने कहा हे स्तोक कृष्ण, स्तोक का अर्थ होता है छोटा, छोटा कृष्ण, स्तोक को ही छोट कहते हैं अपभ्रंश में, स्तोक कृष्ण। ये तो कृष्ण है और एक कोई छोटा ही इनके समान ही सांवला होगा तो उसको भी सब लोग स्तोक कृष्ण स्तोक कृष्ण का, कृष्ण का मित्र। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशु, अंशु एक का नाम था और एक का नाम श्रीदाम। स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन सबका नाम ले लेकर कह रहे हैं, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशु, हे श्रीदामन, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ या वृषभ, हे ओजस्विन, हे देवप्रस्थ और हे बरुथ। भगवान बड़े स्नेह से अपने मित्रों का नाम ले रहे हैं, हे कह करके उनका अटेंशन अपने तरफ करके कोई बात कहना चाहते हैं, तो जो इधर उधर कुछ अटेंशन था कृष्ण की सेवा के लिए ही वो सब सुनने लगे। पश्यत एतान महाभागान परार्थैकान्त जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयन्ति न। हे मित्रों, नाम रखकर कह रहे हैं, एतान महाभागान पश्यत, इन महान भाग्यशाली महान भाग्यवान इनको देखो, इनको देखो, वृक्षों को देखो, ये इनको मैं दिखाकर अपने श्री अंगुली से हाथ से कह रहे, इन महान भाग्यवान लोगों को देखो। भगवान मनुष्य की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। ये ऊपर आड़ नहीं किया आप लोग, अभी घाम लग रहा है किसी किसी को, अभी तो घाम रोक रहे हैं वृक्ष, तो कम से कम दूसरा तो जाकर करे छाया। जाए जाए जाए, तुरंत छाया कीजिए। कोई चीज टांग दीजिए यहां से वहां तक, अपने आप हो जाए। हे मित्रों,
देखो इन महान भाग्यशाली वृक्षों को, परार्थैकान्त जीवितान् पर अर्थ एकांत, केवल दूसरे के लिए ही जीवन जो धारण करते हैं, दूसरे के उपकार के लिए ही जिनका जीवन है, ऐसे महान भाग्यशाली इन वृक्षों को देखो। परार्थैकान्त जीवितम्, परार्थम एव एकांतेन जीवितम् जेषाम्। जीवितम् का अर्थ जीवन, जो जी रहे हैं किसके लिए? परार्थ, दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए जी रहे हैं। अतः महाभागान एतान द्रुमान पश्यत। फिर वृक्षों का गुण बता रहे हैं, ते वात वर्षा तप हिमान सहंत। ये वृक्ष स्वयं ही सहते हुए, वात वर्षा तप हिमान सहंत, ये आंधी सहते हैं, हवा सहते हैं, आंधी के झोंका लगते हैं, उसको बात कहते हैं, वर्षा सहते हैं। ये आंधी, वर्षा, घाम और ठंडा हिम स्वयं सहंत, ये सब कुछ सहते हैं, और वारयन्ति न, और इन सब से हम लोगों का निवारण करते हैं। वृक्षों की वृक्ष हवा से रक्षा करते हैं, आंधी आवे बैठ गवाए, वृक्ष के जड़ में आदमी रुक जाता है, वृक्ष की आड़ में हवा को रोकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंधी को भी रोकते हैं। तो ये स्वयं आंधी सहते हैं, तूफान सहते हैं, वर्षा सहते हैं, और घाम सहते हैं, धूप सहते हैं, और हिम पाला सहते हैं, ठंडा सहते हैं। सहंत स्वयं सह माने, ये वृक्षों का ऐसा जीवन है, वास्तव में सब कुछ सहते रहते हैं। वृक्ष कभी बाहर से भाग करके घर में नहीं आते, सहते रहते हैं। छोटे छोटे पौधे जैसे तुलसी जी के भी कभी कभी भाग करके भीतर घर में आ जाते हैं, लेकिन और सब तो सहते ही रहते हैं। द्रुमान सहते रहते हैं, वर्षा सहते हैं, और दूसरों की रक्षा करते हैं। घाम सहते हैं स्वयं, पर दूसरे पर छाया करते हैं, ठंडा रोकते हैं अपने अपने शिखाओं पर, अपने सिर पर, और दूसरे की रक्षा करते हैं ठंडा। न अस्माकम वारयन्ति, हम लोग को निवारण करते हैं, माने चार चीज को सहते हैं और लोगों को बचाते हैं चारों से, बात, वर्षा, आतप, हिम, ये वृक्षों का जीवन। और केवल रक्षा ही नहीं करते, भोजन देते हैं, शोधितान अस्मान तर्पयन्ति च, और भूखे जीवों को भोजन देते हैं, वृक्ष फल देते हैं, और सब क्या क्या देते हैं वो आगे बढ़ना है। तत्र मुख्य तमान प्रत्येकम प्रीत्या संबोधयति, भगवान अपने सखाओं में से मुख्यतम जो है उन एक एक का संबोधन कर रहे हैं। हे स्तोक कृष्ण, यद्यपि भगवान के सखाओं में श्रीदाम सबसे मुख्य हैं, फिर भी भगवान पहले स्तोक कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री दामनो मुख्यत्वे अपि स्तोक कृष्ण से आदौ संबोधनम समान सनामत्वेन मित्रत्वात् सम्मुखे वर्तमानत्वात्। क्यों पहले स्तोक कृष्ण को संबोधन किया? क्योंकि उसका नाम भगवान के नाम से मेल करता है, इसीलिए दोनों में मित्रता गाढ़ी थी। अथवा भगवान के सामने उस समय स्तोक कृष्ण ही होंगे सामने इमीडिएट, इसीलिए पहले उनका नाम लिए, हे स्तोक कृष्ण। एते दस श्रीकृष्ण से दस दीक्षु अवेक्षणार्थम, माँ यशोदा के द्वारा ये दसों मित्र लगाए गए थे दसों दिशाओं में देखने के लिए, श्री कृष्ण के अवेक्षण के लिए, दसों दिशाओं से सुरक्षा हो, सेवा हो, तो माता यशोदा ने लगाया था। श्री यशोदया रात्र्या
राज्ञा श्री जसोदया राज्ञा निजुक्ता श्री भागवता मृतोत्तर खंडोक्ता अनुसारेण गेया। श्री भागवता मृत में इसका वर्णन है, मां जसोदा लगाती थी 10 मित्रों को, कौन कौन कहां रहते थे। तत्र अस्तोक कृष्णादय चत्वार क्रमेण, अस्तोक कृष्ण आदि मतलब अस्तोक कृष्ण अंशु श्रीदामन और सुबल, ये चार दिशाओं में रहते थे, श्री कृष्ण की देखरेख करते थे, अवीक्षण का अर्थ देखरेख कर। तत्र अस्तोक कृष्णादय चत्वार क्रमेण पूर्वादि चतुर्दिक्षु, पूर्व से प्रारंभ करके चार दिशाओं में, पूर्व से प्रारंभ करके चार दिशाओं में, तो पूर्व से प्रारंभ करेंगे तो पूर्व से पहले राइट में चलेंगे, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ऐसा नहीं कि पूर्व उत्तर और पश्चिम दक्षिण, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्रम से कौन सखा किस दिशा में चलता था कृष्ण के, किस तरह से देख रेख करता था कृष्ण की, इसका वर्णन कर रहे हैं। तत्र स्तोक कृष्णादय चत्वार क्रमेण पूर्वादि चतुर्दिक्षु अर्जुनादय ईशानादि कोणेषु, और अर्जुन से प्रारंभ करके ओजस्विन तक ये चार कोने में रहते थे श्री कृष्ण के, और दो देवप्रस्थ और वरुत्थप, देवप्रस्थ ऊपर से रक्षा करते थे, वो छाता लगा करके चलते थे कृष्ण के ऊपर, और बरूद था ये नीचे देखते थे, कहीं श्री कृष्ण के पैर के नीचे कोई पत्थर ना आ जाए, कोई कांट ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, वो देखते चलते थे, दूर तक रास्ता साफ करते थे। तो इस तरह से 10 दिशाओं में श्री कृष्ण की सेवा करते हुए 10 मित्र चलते थे। ये रोज का क्रम है, ऐसा नहीं कि एक दिन केवल, वर्त में शोधन करता था बरुद था। जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं तो उनके चलने के पहले झाड़ू देते हैं राजा लोग, तो उस तरह से भगवान चलते हैं तो बरुद था ये निगरानी रखते हैं, पथ मार्जन छत्र धारण और वर्त में शोधन युद्धों का। ग्राहवें एक मित्र भगवान के प्रधान मित्र हैं, वो हैं भद्रसेन, जिनका उल्लेख यहां नहीं है, ये गोप सेना के अध्यक्ष थे और ये बहिर अवेक्षक थे, बाहर दूर तक देखा करते थे कोई असुर कोई बदमाश व्यक्ति उग्रवादी धर्मांध पर, इस तरह से वो देखा करते थे। इतस्ततः सदा परिभ्रमणेन तदानीम तदंतिक वृत्तेश तद संबोधन, अब अंतिक वृत्त, इस समय वो नहीं थे भगवान के पास, थोड़े दूर में देख रहे थे, इसीलिए उनको संबोधन नहीं किया। 10 का संबोधन किया कृष्ण ने और भद्रसेन का संबोधन नहीं किया, इसमें वो दूर चले गए थे देखने के लिए। भगवान कहते हैं, अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राण उपजीवनम सुजन सेव जेषां वै विमुखा जान्ति नार्थिनः। अहो मनुष्य जीवन से भी इनका जन्म वरम श्रेष्ठ है, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, सर्व प्राणी उपजीवन में सभी प्राणियों की उपजीविका स्वरूप है, इनसे जीविका चलती है, जीवन में सहायक है।